साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये किताब बिल्कुल अप टू डेट किताब है और ये आपके नए सिलेबस और नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। ये किताब और किताबों से काफी बेहतर है और आपको बता दें, यहां पर आपको 2800 से भी ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे, 3 सॉल्व पेपर मिलेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी किताब, इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश, टोटली ऑल ओवर सब कुछ आपको दिया गया है। जो आपके पैटर्न में बदलाव किया गया है, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, जीके के 20 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन और हिंदी और इंग्लिश चॉइस पर रहती है 20 क्वेश्चन, और टाइमिंग जो है 60 मिनट की रहेगी, उसके अकॉर्डिंग ये पूरी किताब आपकी अप टू डेट है। जो भी आप लोगों का सिलेबस है उसको ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो ये अब तक की सबसे अपडेटेड बुक है और अगर आप इस किताब को लेते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, आपके सुनहरे भविष्य के लिए काफी उज्जवल साबित होगी। इसमें 2021 के 2019 के पेपर दिए गए हैं, करंट अफेयर पूरी आपको मिल जाएगी 2021 से लेकर 2023 तक की, सब कुछ टॉपिक वाइज दिया गया है। एक एक चीज आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाई गई है, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से सिक्वेंस में सारे पेपर आपको दिए गए हैं, एक एक चैप्टर को भली भांति दर्शाया गया है। और अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आती तो बिल्कुल यहां पर उत्तर जो है व्याख्या सहित यहां पर दे रखे हैं, ठीक है। तो इस किताब को जरूर लीजिएगा, इस किताब को परचेस करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और इसके अलावा दोस्तों, इसका एक प्रैक्टिस सेट भी आता है, यदि आप लोग अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो स्टडी गाइड के साथ प्लस प्रैक्टिस सेट जरूर लें। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 3300 और क्वेश्चन मिलेंगे, 9 प्रीवियस पेपर के साथ साथ 20 प्रैक्टिस सेट, तो करीब यहां पर यह किताब आप लोगों के लिए काफी बेहतर साबित होने वाली है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों के आने वाले एसएससी जीडी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे बेस्ट किताब रहेगी। तो इस किताब को जरूर खरीदेगा और आज इस किताब को ऑनलाइन परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और तुरंत इस किताब को घर बैठे मंगाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। तो आज आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लासेस हैं और मैं आप सभी लोगों का आज एक्स्ट्रा क्लासेस में टेस्ट कराने आया हूं। इस टेस्ट में टोटल मैंने 80 क्वेश्चन लिए हैं और अगर आप लोगों के पास ये वाली किताब है चक्षु की, आप यहां पर देख सकते हो, जिन लोगों के पास भी चक्षु की एसएससी जीडी कांस्टेबल की बुक है, इस बुक का आज मैं सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कराऊंगा। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में आए हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे। आज की क्लास दुनिया की सबसे बेस्ट क्लास रहने वाली है पूरे यूट्यूब के इतिहास में। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल, इसमें हम लोग टोटल पूरे पेपर को ऑर्गेनाइज कराएंगे। आज आपका बीएसए ट्रिकी क्लासेस पेपर कंडक्ट कराने के लिए आया है। जैसा पेपर एसएससी में आएगा वैसा ही पेपर आज मैं आपको कराऊंगा। तो इसमें 20 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन होंगे जीके के, 20 क्वेश्चन होंगे मैथ के और 20 क्वेश्चन होंगे हिंदी के। तो टोटल दोस्तों आपके 1 से लेकर 80 तक क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के 160 नंबर के रहने वाले हैं। तो 80 क्वेश्चन होंगे दोस्तों और 80 क्वेश्चन जो है आप लोगों के 160 नंबर के होंगे और आज जो विनर होगा उसको मिलेगी एक ट्रॉफी, ठीक है ना। तो आज जो विनर होगा वो मेरी तरफ से यहां पर ट्रॉफी जीत कर ले जाएगा, मैं ट्रॉफी दे सकता हूं, सिलेक्शन लेने के बाद मैं आपको मिठाई खिला सकता हूं। तो दोस्तों कोशिश करना 140 प्लस नंबर लाना, तो 140 प्लस नंबर लाने वाले को यहां पर इनाम दिया जाएगा। तो इससे पहले क्लास को शुरू करें, आप लोगों के लिए एक बहुत जरूरी लाइन है क्योंकि बहुत सारे लोग भटकते हैं मेरी क्लास में। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकने के लिए, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकने के लिए, मगर संकल्प एक ही काफी है मंजिल जाने के लिए। दोस्तों आपके पास हजार विकल्प होंगे, अगर मैं ये एग्जाम पास नहीं कर पाया तो मैं परचूनी की दुकान खोलकर बैठ जाऊंगा, मैं भेलपुरी बेच लूंगा, मैं टिक्की का ठेला लगा लूंगा, मैं बतासे बेच लूंगा, नहीं तो मैं एमबीए चाय वाला बन जाऊंगा। ऐसे बहुत सारे विकल्प दिमाग में आ रहे होंगे, तो मैं बता दूं
विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकने के लिए, मगर संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो अगर मंजिल पर जाना है मेहनत करनी पड़ेगी, लगे रहना पड़ेगा, डटे रहना पड़ेगा और अड़े रहना पड़ेगा। तो बिल्कुल बहुत ही जरूरी ये क्लास है। और अगर आप लोगों ने अभी तक जो है बीएसए फैक्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बीएसए फैक्ट ज्ञान चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आपका टेस्ट शुरू करते हैं। आज आपका टेस्ट हो रहा है, टेस्ट में टोटल आप लोगों के 60 मिनट रहेंगे और फटाफट से पेपर को यहां पर सॉल्व करना होगा। चलिए ये कैसी लैंग्वेज है और हम यहां क्या करते हैं, चलिए। तो दोस्तों निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में विषम शब्द संख्या और अक्षर को चुनिए। तो सबसे पहले 20 क्वेश्चन होंगे आपके रीजनिंग के। तो देखो और आप बताओ यहां पर आपका लॉजिक क्या है। देखो तो आपने दोस्तों यहां पर क्या देखा, एक पंजे पांच, चार पंजे बीस, पांच पंजे पच्चीस, यहां पर दे रखा है पैंसठ और सात पंजे पैंतीस। तो पहले सवाल का राइट आंसर आपका सी होगा, आपको मिलते हैं 2 नंबर। ठीक है, पूरी ईमानदारी से पेपर सॉल्व करना। अगर सही जवाब दोगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, गलत जवाब दोगे तो आपकी अठन्नी कटेगी। ठीक है, अठन्नी का मतलब होता है 0.5, आपके 0.5 नंबर माइनस होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में विषम शब्द संख्या और अक्षर युग्म को चुनिए। अब इसको देखिए, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एम एन ओ, पी क्यू आर, ई सी ए। तो अगर आपने चूज किया है डी तो आपको मिलते हैं 2 नंबर, क्योंकि बाकी सभी में क्या चल रहा है, देखो एक्स वाई जेड, यहां एम एन ओ, यहां दोस्तों पी क्यू आर, लेकिन यहां पर मेरा क्या रहा दोस्तों, ई के बाद आना चाहिए एफ जी, तो ई के बाद एफ और एफ के बाद जी आना चाहिए था, तो डी वाला सबसे अलग है। तो जिनका भी आंसर डी आ रहा है उनको मिलते हैं 2 नंबर, टोटल 4 नंबर आपके पक्के हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में विषम शब्द संख्या अक्षर को चुनना है। समुद्री, महासागर, समुद्र और नौवहन, तो सबसे अलग आपका क्या होगा बताइए। देखिए दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो समुद्री, महासागर और समुद्र ये तीनों आपके एक तरीके के पानी है, चाहे समुद्र की बात कर लो, महासागर की बात कर लो, चाहे मैरीन की बात कर लो, गर्त की बात कर लो, इन सभी में दोस्तों आप लोगों का क्या है, पानी है। लेकिन शिप, शिप इन सबसे अलग है, नौवाहन जो शिपिंग है दोस्तों वो इसके ऊपर चलती है। तो अगर आपने चूज किया है सी, अगर आपने चूज किया है सी तो आपको मिलते हैं 2 नंबर। और जिनका आंसर सी नहीं आ रहा है, जिसकी नजर इस पर नहीं है, वो अपने 0.5 नंबर अठन्नी काट ले, अठन्नी काट ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 525 से 25 तो 315 से क्या आएगा ये बताइए। जैसे मैंने दोस्तों देखा 25 25 जा होता है 625, और 625 में 100 कम किया तो ये मेरा 525 आ गया। ठीक है, ऐसा कुछ लॉजिक मैंने लगाने का प्रयास किया है, क्या पता ये हो या कुछ और हो। यहां 315 है, 415 आ रहा है, तो ये लॉजिक मेरा काम में नहीं आएगा। ओके, तो ये लॉजिक मेरा काम में यहां पर नहीं आएगा। अब दूसरा लॉजिक देखा मैंने, यहां पर 525 को 25 से डिवाइड करके देख लिया, 25 दुनी 50, 2 25 एकम 25, 21 बच रहा है। तो 315 को दोस्तों किससे काटें कि 21 बचे, तो 5 15 दुनी 30 15 15 से काटो दोस्तों। तो 15 से अगर आप काटोगे यहां पर तो 15 दुनी 30, 1 बचा, 15 एकम 15। तो अगर आपका आंसर बी आ रहा है, ध्यान से देखना दोस्तों, अगर आपका आंसर बी आ रहा है तो आपको मिलते हैं 2 नंबर, और जिसने भी सी लगाया है उसकी कटेगी 58 54। ठीक है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नजरों को घड़ाकर देखना, नजरों को, नजर घट, नजर हटी दुर्घटना घटी, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हो हमने ए बी सी डी सब ऊपर नीचे कर रखे हैं ताकि आप पूरी तरीके से कंफ्यूज रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, मरुस्थल, मरग, मरीचिका, तो महासागर में आपका क्या होगा इसको बताइए, फटाफट से बताइए। मरुस्थल, मरग, मरीचिका, महासागर में आपका क्या होगा बताइए।
जैसे मरुस्थल में आपके मिराज होते हैं, वैसे ही महासागर में आपके क्या होते हैं, वैसे ही महासागर में होते हैं अलनीनो। महासागर में आपके क्या होते हैं, मरुस्थल में जिस तरीके से मिराज होते हैं वैसे ही महासागर में अलनीनो होते हैं। तो अगर आपने ए चूज किया है तो आपको मिलते हैं 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, माइटोकॉन्ड्रिया दे रखा है ऊर्जा, तो डीएनए का काम क्या है फटाफट से बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है, आपको पता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका की शक्ति, कोशिका की ऊर्जा कहा जाता है। उसी तरीके से डीएनए को क्या कहा जाता है, डीएनए का काम होता है इनहेरिटेंस, वंशानुक्रम। जो चीज बाप में है वो बेटे में आएगी, जो चीज बेटे में है उसके बेटे में जाएगी। तो जो आपका इनहेरिटेंस है, वंशानुक्रम, ये ट्रांसफर होता है डीएनए से। ओके, डीएनए डीऑक्सी, ठीक है ना। डीएनए की फुल फॉर्म आप लोगों की क्या होगी, चलिए आप बताइए, आपको बतानी है डीएनए की फुल फॉर्म, फटाफट बताइए। और आरएनए की भी फुल फॉर्म आप लोग मुझे यहां पर बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों को सार्थक एवं आरोही क्रम में व्यवस्थित करें और सही क्रम दर्शाते हुए विकल्प का चयन करें। तो सबसे पहले दोस्तों आपका क्या होगा, पन्ने होंगे, सबसे पहले पन्ने होंगे। ये पन्ने किसमें होंगे, ये पन्ने किताब में होंगे। किताब दोस्तों कहां पर होगी, किताब आपकी किताब की अलमारी में होगी। किताब की अलमारी से किताब कैसे मिलेगी दोस्तों, तो ये किताब की सूची से मिलेगी और किताब की सूची में पूरे पुस्तकालय की किताबें होंगी। तो सबसे पहले 1, नंबर 2 पर है 4, तो 1, 4 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। तो देखो आपके पन्ने, पन्ने होंगे किताबों में, किताब होगी किताब की अलमारी में, अलमारी की होगी लिस्ट, और लिस्ट जो होगी वो पुस्तकालय की होगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14253। तो जिन दोस्तों ने भी यहां पर चूज किया है सी, बिल्कुल राइट है, उनको मिलते हैं 2 नंबर। ठीक है बॉस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। दोस्तों आज मैं 80 क्वेश्चन का पूरा आपका पेपर करा रहा हूं कंडक्ट, तो मैं भी चाहता हूं कि क्लास में कम से कम 500 से 2000 लोगों के बीच में क्लास रहे। ओके, तो 500 से 2000 लोगों तक यहां पर शेयर कीजिए, क्लास को सपोर्ट कीजिए। अभी भी आप लोगों की क्लास में यहां पर 700 प्लस लोग नहीं हुए हैं, तो सभी लोग क्लास को शेयर करिए और आज क्लास को 700 प्लस पर लेकर जाना है। आज मैं जो है पूरा पेपर कंडक्ट करा रहा हूं, तो आज आपको 700 प्लस क्लास को लेकर जाना है। ठीक है, तो शेयर करते रहिए। अब देखो ए बी ई एफ एल जे एम एन, अगला स्टेप क्या होगा, ए बी सी डी छोड़ा ई एफ, फिर एफ के बाद जी एच आई छोड़ा जी एच आई जे के एल जे एम एन। तो यहां पर आपको बताना है कि अगला स्टेप आपका क्या आ जाएगा, बताइए फटाफट से आप मुझे बताइए। ए बी ई एफ आई जे एम एन, इसको आई कर लो दोस्तों, ये आपका आई है, आई जे एम एन। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसको बताइए। देखो दोस्तों ए बी सी डी ई, तो सी डी छोड़ा ई एफ, फिर एफ के बाद जी एच छोड़ा आई जे, फिर के एल छोड़ा एम एन, फिर ओ पी छोड़ेंगे तो क्यू आर, और क्यू आर के बाद एच टी छोड़ेंगे तो यू बी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा क्यू आर यू बी, ये वाला आ जाएगा बी वाला। तो अगर आपने चूज किया है बी तो बिल्कुल राइट है, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। और जिनका भी आंसर बी आ रहा है बिल्कुल राइट है, 2-2 का गैप चल रहा है। देखिए ए बी सी डी छोड़ा ई एफ, जी एच छोड़ा आई जे, के एल छोड़ा एम एन, एम एन के बाद ओपी छोड़ा तो क्यू आर, और क्यू आर के बाद एच टी छोड़ा तो यू बी। तो 2-2 का गैप चल रहा है आपका सभी में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 49425, ये 10 आ रहा है, देख लेते हैं दोस्तों। 49 होता है 7 का, 4 होता है 2 का, 25 होता है 5 का, 10 कैसे बनाएंगे दोस्तों। तो मैंने इसको देखा यहां पर 7 5 12, 12 में दोस्तों 2 घटाया तो ये मेरा 10 बन गया। ठीक है, जुगाड़ देखते हैं लगा के। 81 होता है 9 का, 49 होता है 7 का, 16 होता है यहां पर 4 का। तो दोस्तों यहां पर जोड़ेंगे 9 4 हो जाएगा 13, और 13 में से दोस्तों अगर हम 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 13 में से 7 घटाएंगे तो 3 3 हमारा 6 आ जाएगा। तो हो सकता हो किसका आंसर 6 आए, इसको और चेक कर लीजिए। 64 होता है 8 का, 8 2 64,
3 3 9 6 6 आपका 36, तो 8 और 6 14, 14 में अगर आप 3 घटाओगे तो आपका 11 हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6। तो जिन दोस्तों का भी आंसर 6 आ रहा है उनको मिलते हैं पूरे के पूरे 2 नंबर, और बाकी लोगों की अठन्नी कटेगी। ठीक है, बाकी लोग अपनी अठन्नी काट लें। 6 वालों ने यहां पर बाउंड्री पार पहुंचा दिया है, पहली बॉल पर छक्का लगाया है सीधा, बिल्कुल बहुत बढ़िया शॉट लगाया है आप लोगों ने, पहली बॉल पर ही बाउंड्री पार, पहली बॉल बाउंड्री पार। तो जिनका भी आंसर ए आ रहा है बिल्कुल राइट है। अब ये सवाल देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर 0 6 24 60 पता नहीं 216। तो दोस्तों 0 है, 6 है, 24 है, 60 है, तो मैंने यहां पर कुछ नजर आ रहा है, और वो आप लोगों का क्या नजर आ रहा है इसको देखें। यहां पर जैसे दोस्तों मैंने क्या किया दोस्तों, 1 का क्यूब किया, 1 कम कर दिया, 0 आ गया। 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में 2 कम किया तो मेरा यहां पर 6 आ गया। 3 का क्यूब 27 होता है, 27 में 3 कम किया तो 24 आ गया। तो 4 का क्यूब 64, 4 कम किया तो 60। तो 5 का क्यूब 125, 125 में 5 कम करेंगे तो 120 आ जाएगा। और सेम इसी तरीके से आप लोगों का 6 का क्यूब 216, और 216 में 6 कम करेंगे तो आपका 210 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 120। तो अगर आपका आंसर 120 आ रहा है तो आपको मिलता है 2 नंबर, और बाकी लोगों के यहां पर कटेगी 58 कटेगी। ठीक है ना, 54 नहीं, 58 काट लो अपनी, और राइट आंसर हो जाएगा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिया गया है, इसको देखिए मेरे प्यारे मित्रों। एक्स आपका 15 मीटर उत्तर में जाता है, तो एक्स हमारा जो है यहां पर क्या है दोस्तों, सबसे पहले एक्स मेनू जो है 15 मीटर मेरा जो है उत्तर में क्या, दाएं मुड़ा लल्ला 20 मीटर चला, दाएं मेरा लल्ला मुड़ा 20 मीटर लल्ला चला, उसके बाद फिर दाएं मुड़ा, अब ये दाया मेरा ये दाया हो जाएगा, तो फिर दाया मुड़ा और कितना चला लल्ला, ये केवल आपका 10 चला, 10 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ेगा 20 मीटर चलेगा, फिर दाएं मुड़ेगा तो पूरा 20 मीटर आपका यही हो जाएगा। इस पॉइंट पर ये 10 है तो ये 10 हो जाएगा, ये टोटल 15 है तो ये 5 हो जाएगा। तो वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितने मीटर पर है, तो वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से 5 मीटर की दूरी पर है, क्योंकि टोटल ये 15 है, ये टोटल आपका 10 है, तो 15 में से 10 जाएगा तो ये 5 बचेगा। तो कल्लो परी सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो एक बार आप लोग अपनी कल्लो परी के लिए तालियां बजा दीजिए, बिल्कुल सही जवाब दिया है। ओके, तो यहां पर कल्लो परी को यहां पर 2 नंबर मिलते हैं, और बाकी सभी की यहां पर 58 कटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भाई क्लास को शेयर करते रहिए, सडन आल जितने भी क्लास को तुसी देख रहे हो, 80 क्लास चल रही है, तुसी जितने भी हो जहां जहां भी हो शेयर करते रहो, क्लास को शेयर करते रहो, अपनी क्लास को मिलकर यहां पर सपोर्ट करते रहो। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों कौन सा आपका नहीं बनेगा इसको बताइए, तो फटाफट से बताइए कौन सा नहीं बनेगा। पैटर्न पी ए डबल टी ई आर एन बन जाएगा, ट्रैक्टर टी आर ए टी ओ आर, तो ट्रैक्टर भी आप लोगों का यहां पर बन जाएगा, प्रिंटेड पी आर आई एन टी ई डी। तो दोस्तों प्रोक्रास्टिनेट में कहीं पर भी आपका डी नहीं है, तो कहीं पर भी आपका डी नहीं है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो अगर आपका आंसर सी आ रहा है तो बिल्कुल राइट है, परफेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, डी मिसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, तो कौन सा नहीं बनेगा। तो दे रखा है आप लोगों को पेनल्टीमेट, तो दोस्तों पेनल्टीमेट दे रखा है, तो पीनट पीई ए पीई ए एन 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 यू टी बन गया, मिनट एम आई एन यू टी ई बन गया, एलिमिनेट ई एल आई एम एम के बाद फिर आई, दोबारा देखिए आई नहीं है, एलिमिनेट में दोस्तों 2 बार आई आ रहा है, इसमें सिंगल टाइम आई है, तो आपका सी वाला नहीं बनेगा। तो अगर आपने चूज किया है सी, बिल्कुल राइट है। सभी लोगों से मेरा निवेदन है क्लास को 700 प्लस पर आप लोग ले जाइए, इतना प्यार और इतना सपोर्ट आपने किया है, इतनी लंबे तक आप क्लास को ले गए हो,
तो 700 भी अब आप कर सकते हो। तो अपनी क्लास को शेयर करो, अपनी क्लास को सपोर्ट करो और सभी लोग अपनी क्लास को 700 प्लस पर आज आपको हर हाल में लेकर जाना है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। अब पासे वाला इन्होंने चित्र नहीं चिपकाया है तो कोई बात नहीं दोस्तों, देखते हैं यहां पर बाकी के डायग्राम लगे हुए हैं। ठीक है, बाकी के डायग्राम लगे हुए हैं। पासा दोस्तों मैं यहां पर बना दे रहा हूं आप लोगों के लिए। तो किस तरीके से जो है यहां पर पासा हो सकता है, एक पासे की यहां पर तीन स्थितियां दी गई हैं। तो मैं आपके लिए दोस्तों यहां पर पासा बनाने जा रहा हूं। इस तरीके से मुझे यहां पर पासा बनाना आता है, ठीक है ना, बस मुझे थोड़ा सा अच्छा बनाना नहीं आता है, इसे आप लोग यहां पर मैनेज कर लीजिएगा। तो मैंने दोस्तों ये आपको पासा दे रखा है, तो एक पासे की मेरी जो है यहां पर तीन स्थितियां दी गई हैं। पहले में आपको दे रखा है 6-1-4, दूसरे में दे रखा है आपको 5-3-6 और तीसरे में दे रखा है आपको 4-1-2। तो आपको बताना है दोस्तों, आपको क्या बताना है, संख्या दो के सामने वाली संख्या कौन सी होगी। तो चलिए बताइए संख्या दो के सामने वाली संख्या कौन सी होगी। तो आप लोग यहां पर देख सकते हो, देखो यहां दे रखा है 4 और 1, ठीक है बॉस, यहां दे रखा है 4 और 1, यहां बचा 2, यहां बचा 6। तो 2 के विपरीत क्या आ जाएगा आपका, 2 के विपरीत तेनु आपका 6 आएगा। तो जिनने इस बॉल पर भी छक्का लगाया बिल्कुल राइट है, फिर से एक बार आपने बाउंड्री पार पहुंचा दिया है, अब की बार बाउंड्री पार, तो एक बार फिर से आपने छक्का लगाया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। 24 पता नहीं, 4 पता नहीं, 5 पता नहीं, 4 अभिव्यक्ति को सही बनाने के लिए अंतः स्थापित किया जाने वाला प्रतीक निकालिए। इसमें तेनु जो है डिवाइड तो कहीं पर दे ही नहीं रखा है, तो भैया ए वाला ट्राई कर लो। यहां पर देखो ए वाला ट्राई करोगे ना बराबर नहीं है, तो हम इसको सेटिस्फाई नहीं करा पाएंगे। तो ए वाला तो किसी कीमत पर नहीं होगा, बी वाला सी वाला ट्राई करो, मल्टीप्लाई करोगे 24 चक्का 96 5 4 नहीं बनेगा, तो ये भी गलत हो गया। बी वाला ट्राई करो, 24 बराबर 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस का 4, तो 5 चौक 20 20 4 24, तो 24 बराबर 24। अगर तेनु आंसर आ रहा है बी तो बिल्कुल राइट है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, जिन दोस्तों का आंसर बी आ रहा है उनको मिलते हैं 2 नंबर, और जिन्होंने जो कंफ्यूज हो गए दोस्तों, जो इस बी को देखकर सी बोल रहे हैं, उनकी कटेगी फिर से 8, क्योंकि नजरों का खेल है। हम ए बी सी डी को अल्टरनेट कर देंगे, ऊपर नीचे घुमा फिरा कर देंगे, पूरी तरीके से हम आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर आपका बी होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी वालों को मिलेगा 2 नंबर, बाकी सबकी कटेगी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पांग का दे रखा है पसनाक, तो थ्रो की वैल्यू क्या होगी इसको बताइए। तो थ्रो की वैल्यू क्या होगी इसको बताइए। जिसको नींद बहुत आ रही है ना वो क्वेश्चन देख ही नहीं पाएगा। तुम लोग नींद में क्वेश्चन लगाते हो मुझे पता है, आधे तो मेरी क्लास में नींद में पड़े हुए हैं, सब नींद के मारे हैं, तुम्हें तो नींद ने लूटा, गहरों में कहां दम था। तो दोस्तों यहां पर आपको दे रखा है एस पी ए एन के, तो इसका क्या दे रखा है आपको पी एस एन ए के, तो मुझे दिख रहा है दोस्तों पी एस एन ए और ये दिख रहा है के। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको देखिए थ्रो, तो टी एच आर ओ डब्ल्यू, तो टी एच का दोस्तों हो जाएगा एस टी, आर ओ का ओ आर, डब्ल्यू का डब्ल्यू, तो हटो रहो, हटो आर डब्ल्यू, हटो आर डब्ल्यू, हटो आर डब्ल्यू। तो जिनका भी आंसर डी आ रहा है तो बिल्कुल राइट है, आपको मिलता है डी, जिनका भी आंसर डी आ रहा है उनको मिलते हैं 2 नंबर, बाकी सभी के कटेंगे यहां पर 8 कटेगी। आंसर देते समय सुंदर दर्शन ना करें वरना देव दर्शन हो जाएंगे, भाई सही बोला है यहां पर, आंसर देते समय सुंदरता के दर्शन ना करें नहीं तो देव दर्शन हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर आकृतियों में से वह आकृति ज्ञात कीजिए जो एम एन रेखा पर रखे जाने पर प्रश्न आकृति का हूबहू प्रतिबिंब होगा, तो इसका इमेज बताना है। ये तीर जा रहा है तेनु आपका इधर, तो शीशे में दोस्तों इधर बनेगा तो तीर ऐसे जाएगा आपका, तो तीर ऐसे जाएगा, देखो तीर लगा है मेरे दिल पर चुभ गया है आज तीर, ये तीर इधर जा रहा है गलत, अब बाकी सारे तीर आप लोगों के इधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं, अब काला पीला देखेंगे दोस्तों यहां पर,
ये काला है अगर इधर, तो इधर शुरुआत काले से होगी तो कालिया पहले आएगा दोस्तों, कालिया इसमें है, इसमें भी कालिया है, इसमें गोरा दे रखा है, गोरे वाले को मैंने काट दिया, कलुआ आएगा, ठीक है। नीचे देखो दोस्तों, नीचे आपका सफेदी है तो इधर सफेदी से शुरुआत होगी, तो आप यहां पर देख सकते हो यहां पर आपका सफेदी नहीं है तो इसको काट दो, इसमें सफेदी दे रखी है तो आंसर आपका हो जाएगा सी वाला। तो जिन दोस्तों का आंसर सी आ रहा है बिल्कुल राइट है, सी वालों का आंसर यहां पर दो मिल रहा है, बाकी लोगों की कटेगी यहां पर 98। ओके सर, आपका दिल है, आपका दिल है, आप दिल मान लो, कुछ भी मान लो, यहां पर दिल है, सिर्फ एक है, मेरे पास फोटोकॉपी नहीं है, ठीक है ना। आजकल के लोग हैं दिल में फोटोकॉपी, दिल की फोटोकॉपी लेके घूमते हैं और सबको एक एक कॉपी थमाते रहते हैं आजकल के, इतने दिल फेक लोग हैं। तो जिन दोस्तों का आंसर सी आ रहा है बिल्कुल राइट है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें आपकी प्रश्न आकृति निहित है। इसको देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, इस तरीके से आपको बॉक्स दे रखा है, तो ये बॉक्स आपका जा रहा है और ये कोना निकल रहा है आपका, ठीक है बॉस। तो सेम डिजाइन देखो, यहां पर इस तरीके से मैंने यहां पर ये बनाया और इसको ऐसे निकाला, इसको ऐसे निकाला, और ये कोना जो है कोपचा, ये कोपचे से निकल रही लाइन, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, बी गलत, सी गलत, डी गलत। तो अगर आपने दोस्तों यहां पर चूज किया है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट है, ए वाले को मिलता है 2 नंबर और बाकी लोगों की कटेगी 98। चलिए बॉस बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सी उत्तर आकृति प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो दोस्तों बताइए यहां पर कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो इस तरीके से आप लोगों का सड्डेनाल फिगर बनेगा और यहां से दोस्तों इस तरीके से आप लोग यहां पर देख सकते हो, ऐसा फिगर आप लोगों का बनेगा। तो इसमें ध्यान से देखो दोस्तों किस तरीके से आप लोगों का ये फिगर तेनु यहां पर बन रहा है। तो सबसे पहले लाइन आप देखो, यहां पर इस तरीके से लाइन जा रही है, इसमें है, इसमें, इसमें, इसमें थोड़ी से ज्यादा मुझे थोड़ा सा लग रहा है, फिर ये लाइन ऐसे जा रही है, तो ये लाइन आपकी ऐसे जा रही है, फिर ये ऐसे है, तो ये आपका ऐसे है, और इसको मिला दिया। तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, अगर तेनु एच ऑप्शन चूज किए हैं तो बिल्कुल राइट है। सर जी आप ऑफ, सर आप ऑफ ऑनलाइन पढ़ाते हो या नहीं, प्लीज बताइए। नहीं अभी मैं सिर्फ ऑनलाइन ही मैंने बैच स्टार्ट किया है, ऑफलाइन जब शुरू होगा तो आपको बता दिया जाएगा। देखो अभी ऑफलाइन कराने के लिए इतनी बड़ी जगह नहीं है, यहाँ पर कहां से इतने लोगों को बैठा लेंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को। तो जिन दोस्तों ने ए चूज किया है उनको मिलते हैं 2 नंबर और बाकी कटेगी सभी की 98। क्वेश्चन नंबर 20 है, रीजनिंग का आखिरी सवाल है क्योंकि पेपर में केवल 20 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के। इस आकृति को पूरा कीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। ओके टाइमिंग, जिन लोगों को टाइमिंग नहीं पता, देखो मैं मंडे को नहीं पढ़ाता हूं, मंडे को केवल एक्स्ट्रा क्लासेस मैं आज करा रहा हूं, मंडे को छुट्टी रखता हूं आप देख सकते हो, बाकी टाइमिंग है। कल मैं मिलूंगा 11:30 बजे, 11:30 बजे रीजनिंग, 1 बजे जीके, 4 बजे पेपर, इधर शाम को 6 बजे हिंदी, 7 बजे मैथ, 8 बजे रीजनिंग और 9 बजे पेपर, ये मेरी क्लास की टाइमिंग है। मैं इसी टाइम पर आपको हमेशा ट्यूसडे से लेकर आप लोगों को संडे तक इसी टाइम पर मिलूंगा, मंडे को मेरा मन होगा तो मैं आपको एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। ओके बॉस टाइमिंग आप देख सकते हो, आ जाओ क्वेश्चन पर। सबसे पहले दोस्तों क्या करोगे आप लोग, इस वाले लाइन को इससे कंप्लीट कर दोगे एक लाइन को, ठीक है बॉस। फिर आप दोस्तों यहां पर ये लाइन खींचोगे और इसको ऐसे मिला दोगे, फिर दोस्तों आप ऐसे खींचोगे इसको, इसको ऐसे मिला दोगे, फिर आप ऐसे खींचोगे इसको ऐसे मिला दोगे, फिर ऐसे खींचोगे ऐसे मिला दोगे। तो दोस्तों ये गलत, ये गलत, ये गलत, देखो ये 1, 2, 3, 4 और 5, देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 लाइनों का मिक्सअप बन रहा है। तो अगर आपने डी को चूज किया है तो बिल्कुल राइट है, डी वाले को मिलता है यहां पर 2 नंबर और बाकी लोग अपनी 98 काट लें। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अपनी क्लास को 700 प्लस पर ले जाएं, मेरा प्लीज दोस्तों आपसे निवेदन है। एक तो मैं आज आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड करा रहा हूं तो इतना तो मेरा हक बनता है, यहां पर 700 प्लस लाइव ले जाओ आप लोग। 1 बजे का कोच समझ में नहीं आता सर, 1 बजे बालेसर का कोच, बालेसर 1 बजे बालेसर का कोच समझ में नहीं आता सर। अरे 1 बजे मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, परेशान मत हो, ठीक है।
अब आते हैं जीके पर। तो चलो दोस्तों जीके की शुरुआत हो रही है, एक बार जो है जीके की जय जयकार लगा दो यहां पर, आपकी श्यामा प्यारी दोस्तों जीके आ चुकी है। तो जीके में किस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आप यहां पर देख सकते हो। तो पहला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। किस वर्ष भारत भूटान फाउंडेशन की स्थापना हुई? पहला सवाल जीके का है, भारत और भूटान फाउंडेशन की जो स्थापना हुई है ये कब हुई है? हाँ, तो अगर आपने चूज किया है सी वाला 2003 तो आपको मिलते हैं दो नंबर। तो जिनका भी आंसर सी आ रहा है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, किस देश ने एशिया के साथ संबंध बढ़ाने और इसे मजबूत करने के उद्देश्य से एशियाई शताब्दी श्वेत पत्र जारी किया? तो किस देश ने एशियाई शताब्दी श्वेत पत्र जारी किया है इसको बताइए, ए बी सी या फिर डी। तो अगर आपने चूज किया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल राइट है। सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ओके बॉस, ऐसे क्वेश्चन हर बार भूल जाती हूं सर मैं। तनु कुछ नहीं, लिख लिया करो, नोट कर लिया करो, बार बार चीजों को पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। एक बार में तो मुझे भी याद नहीं होते हैं, यहां पर जब बार बार मैं देखता हूं तभी मुझे यहां पर तैयार होते हैं। सर ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए क्या करना चाहेंगे? ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आप डेली रात में 9 बजे आओ, मैं डेली रात में 9 बजे आपका टेस्ट कराऊंगा पूरे 80 क्वेश्चन का। प्लेइंग इट माई वे इस पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए बताइए, 700 प्लस क्लास को ले जाओ सभी लोग, 700 प्लस पर ले जाओ सभी लोग। प्लेइंग इट माई वे ये किताब किसकी है? बोरिया मजुमदार, इंदु आनंद, मैरी कॉम, जसवंत सिन्हा। तो प्लेइंग इट माई वे फटाफट से आप बताइए, ठीक है ना। मैं इसमें एक ऑप्शन ई रख रहा हूं दोस्तों यहां पर, नन का। अब मुझे आप बताएंगे सही जवाब क्या होगा। प्लेइंग इट माई वे के सह लेखक पूछा है दोस्तों यहां पर कौन है, सह लेखक। देखो दोस्तों प्लेइंग इट माई वे के लेखक कौन है तो बच्चा बच्चा जानता है, हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। कौन है लेखक दोस्तों? प्लेइंग इट माई वे के लेखक है हमारे सचिन तेंदुलकर जी हैं, ठीक है बॉस। लेकिन दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं सह लेखक पूछा है, को ऑथर। तो प्लेइंग इट माई वे के जो सह लेखक हैं वो हैं आपके बोरिया मजुमदार, बोरिया मजुमदार। तो जिन दोस्तों ने ए चूज किया है बिल्कुल राइट है, और जिन लोगों ने ई चूज किया था वो लाइफलाइन से बाहर चले गए, ई वालों की चवन्नी कटेगी। तो ई वाले अठन्नी काट लें, सही जवाब होगा ए बोरिया मजुमदार। प्लेइंग इट माई वे के सह लेखक हैं को राइटर, तो को ऑथर हैं बोरिया मजुमदार, ठीक है बॉस। सचिन तेंदुलकर इसके लेखक हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बोरिया जी, बोरिया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की प्रथम ध्वनि वैशिष्ट फिल्म कौन सी थी? द फर्स्ट साउंड फीचर फिल्म ऑफ इंडिया। चलिए इसको बताइए, देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, ध्वनि वाली बोलती फिल्म? तो भारत की पहली भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। तो जिनका भी आंसर आ रहा है दोस्तों आलम आरा बिल्कुल राइट है, आपको मिलते हैं दो नंबर, आलम आरा को मिलेंगे दो नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं बताइए। चलिए दोस्तों कमान 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 एवरीवन, 700 प्लस ले जाना है क्लास को। जिन लोगों ने भी अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया क्लास को शेयर करो भाई, 400 से 500 लोग तुम लोग क्लास में हो, लाइक केवल 180, तो बहुत सांभा, बहुत नाइंसाफी। अरे ओ सांभा, क्लास को शेयर करो, लाइक करो। 400 लोग हो तो 400 लाइक होने चाहिए, अगर 400 लोग हो तो 400 लाइक होने चाहिए, नहीं तो 400 डिसलाइक होने चाहिए, कुछ तो करो, खाली मत बैठो। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो अगर आपने चूज किया है 11 तो बिल्कुल राइट है। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। सर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, सर आप ऐसे अठन्नी क्यों काट रहे हैं? अठन्नी इसलिए काट रहा हूं ताकि तुम्हारी एग्जाम में जो है अठन्नी चवन्नी ना कटे, एग्जाम में तुम्हें पूरे नंबर मिले। एग्जाम में अगर नहीं आता है, देखो फंडा एक अपनाना, आता है तो क्लिक, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होगा, तो आता है तो क्लिक और नहीं आता है तो स्किप। ये फंडा जो अपनाएगा वही एग्जाम में पार लगाएगा, उसी की नैया लगेगी पार,
फुटबॉल टीम में आपके 11 प्लेयर होते हैं, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? चलिए बताइए दोस्तों। ओके चलो, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? बसंती इसका जवाब देंगी, सही जवाब क्या होगा बताइए। तो डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो डीजल इंजन का आविष्कार किया है रुडोल्फ डीजल ने। तो अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट है, जिनका भी आंसर बी आ रहा है उनको मिलता है 2 नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे एक गतिशील सजीव इकाई कहा जाता है? दोस्तों क्या आप जानते हैं किसे गतिशील सजीव इकाई कहा जाता है बताइए। तो ये है फॉरेस्ट यानी कि वन। वन आपकी मूविंग लिविंग एंटिटी है जो लगातार बढ़ती रहती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फॉरेस्ट, ठीक है। ये एक गतिशील सजीव इकाई है, यहां पर आपको जैव विविधता देखने को मिलती है, यहां पर आप लोगों को जैव विविधता देखने को मिलती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वन। मैंने वृक्ष क्यों नहीं बोला, क्योंकि वन में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जंगली जानवर, सब तरीके की चीज पाई जाती है, तो ये अपने आप में एक मूविंग लिविंग एंटिटी है। तो जिनने भी सी चूज किया है उनको मिलते हैं 2 नंबर और बाकी सभी के कटेगी यहां पर 58। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी को थापा किस नाम से जाना जाता है? विटामिन सी बताइए। विटामिन सी आपको नींबू में मिलेगा, नींबू में मिल जाएगा आप लोगों को, आमले में मिल जाएगा, और क्या क्या होता है आपका, नींबू, आमला, संतरा, मौसमी, ठीक है ना। तो जितने भी खट्टे फल आते हैं इमली को छोड़कर, इमली में टार्ट्रिक होता है, ठीक है ना। तो खट्टे फलों में आपको विटामिन सी देखने को मिलेगा, और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। कभी कभार दोस्तों आपके होंठ जो है फटने लगते हैं, तो वो भी विटामिन सी की कमी से ही होता है। तो जिनका भी आंसर एस्कॉर्बिक एसिड आ रहा है बिल्कुल राइट है, तो ए वाले को मिलता है 2 नंबर, बाकी कटेगी सभी की 58। क्वेश्चन नंबर 29, साबुन में किसके सोडियम लवण में होते हैं? ओम चलो भैया बताओ, यहां पर पानी पी लेते हैं, तब तक तुम लोग जवाब दो आराम से, बोलते बोलते गला सूख गया। सर आप कितने बजे, क्या कह रहे हो तुम लोग, कमेंट बहुत तेजी से आ रहे हैं। सर आप कितने बजे उठते हो? मैं भाई जो है टाइम की बात मत करो, सुबह यहाँ पर बड़ी मुश्किल से यहाँ पर जो है 7 बजे उठ पाता हूँ। मुझे उठना जो है, मैं चाहता हूँ कि 5 से 6 बजे के बीच उठ जाऊँ, लेकिन 7 बजे उठ पाता हूँ, क्या करूँ, रात में इतना थक जाते हैं यहाँ पर, सुबह उठने का टाइम ही नहीं मिल पाता। हाँ भाई लगा लिया आप लोगों ने। चलिए तो साबुन में निम्न में से किसके सोडियम लवण में होते हैं? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फैटी एसिड। तो जिनका भी आंसर आ रहा है बसा अम्ल बिल्कुल राइट है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फैटी एसिड, यानी कि दोस्तों आपका हो जाएगा बसीय अम्ल, ठीक है बॉस। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? तो मेरे प्यारे मित्रों निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? सर मैं 8 बजे उठता हूँ, 8 और मिट्ठू तुम तो बात ही मत करो, ठीक है, जल्दी उठा करो, सुबह दौड़ने में तुम लोग को जाना है। मैं भी कोशिश करता हूँ सुबह रनिंग पर चला जाऊं, लेकिन मैं जा ही नहीं पाता हूँ, ठीक है ना, बैठे बैठे जो है फैट बढ़ रहा है मेरा फ्री में। तुम लोग लेकिन रनिंग करो, कि तुम लोगों का एग्जाम है तो तुम लोग अपनी रनिंग करते रहो, ठीक है, रनिंग करते रहो तुम लोग अपनी, 5 बजे उठ के निकल जाया करो घर से अपने रनिंग करने के लिए। हाँ देखो दोस्तों, मोज़िला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है, ओपेरा वेब ब्राउजर है, शालीमार का तो मैंने नाम ही नहीं सुना दोस्तों यहां पर। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक क्रोम भी आपका वेब ब्राउजर है, मैं क्रोम पर आप लोगों को इस टाइम पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, तो क्रोम भी आपका वेब ब्राउजर है। तो मुझे लगता है दोस्तों पहला और सेकेंड होना चाहिए, शालीमार तो है ही नहीं, शालीमार कोई वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां तो ऑप्शन ही नहीं है, तो आपका ऑप्शन आएगा ई। तो जिनका भी आंसर ई आ रहा है, अच्छा दोस्तों ये पूछ रहा है कौन सा नहीं है, अच्छा कौन सा यहां पर नहीं है, तो तीसरा वाला आपका नहीं है, तो जिनका भी आंसर सी आ रहा है उनको मिलते हैं दोस्तों यहां पर 2 नंबर। तो ये पूछा दोस्तों कौन सा नहीं है, तो मोज़िला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, यह सब है।
ठीक है बॉस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। सर चूहे के सिक्स पैक होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? एक घड़ी की कमानी में कौन सी ऊर्जा होती है? जो घड़ी की कमानी होती है ना दोस्त, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? भाई क्लास को 700 प्लस पर ले जाइए, मेरा आपसे निवेदन है। वीडियो को लाइक करते रहिए, क्लास को शेयर करते रहिए और अपनी क्लास को मिलकर आप लोग सपोर्ट करते रहिए, ठीक है ना। तो घड़ी की कमानी में जो आपकी ऊर्जा होती है वो आपकी कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, वो एक जगह पर स्टोर रखता है फिर आगे बढ़ता है दोस्तों यहां पर। तो जिनका भी आंसर सी आ रहा है बिल्कुल राइट है, घड़ी की कमानी में आप लोगों की जो ऊर्जा होती है वो आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो जिनका भी आंसर स्थितिज आ रहा है बिल्कुल राइट है, ओके। और जो आप लोगों की सेकंड वाली सुई है उसमें आप लोगों की गतिज ऊर्जा होती है, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 32। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा? किलोवाट घंटा होता है ऊर्जा का मात्रक। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, एक किलोवाट घंटे में आप लोगों के 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो आपका किलोवाट घंटा जो है आपका ऊर्जा का मात्रक है। तो जिनका भी आंसर ऊर्जा आ रहा है दो नंबर मिलेंगे, बाकी लोग अठन्नी काट लीजिए। बिल्ली को आंखें होती हैं क्या? बिल्ली को आंखें भी होती हैं, बिल्ली के यहां पर जो है आपको बता दे मूछें भी होती हैं उसके, ठीक है। और बिल्ली तुमसे बहुत तेज दौड़ती भी है। सभी लोग अपनी क्लास को 700 प्लस पर लेकर चलिए। निम्नलिखित में से कौन पौधों में पानी के परिवहन से जुड़ा है? तो दोस्तों आप मुझे बताइए, निम्नलिखित में से कौन पौधों में पानी के परिवहन से जुड़ा है? देखो जाला जल, जा से क्या होता है? जल होता है, तो जाइलम जल। तो पानी पानी फैलाने का काम होता है जल का। फ्लोयम का काम होता है मिनरल्स, और जाइलम का काम होता है जल को पूरे पेड़ में पहुंचाने का काम। तो जाला जल, जा से जाइलम, तो ये जालिम आंसर आएगा दोस्तों। तो जिनका भी आंसर जालिम आ रहा है उनको मिलते हैं दो नंबर, ठीक है ना, उनको दो नंबर मिलेंगे जालिम वाले को। चलिए सर आप BSF में क्यों नहीं गए? अरे मेरा जॉब में इंटरेस्ट नहीं है मेरे भाई, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो है यहाँ पर बड़ी से बड़े पोस्ट पर पहुंचे, ठीक है। चलिए पत्ती के मध्य में मोटी सिरा को क्या कहते हैं, इसको बताइए। पत्ती के मध्य में मोटी सिरा को क्या कहते हैं, इसको बताइए। चलिए फटाफट से बताइए। तो पत्ती के बीच में जो आप लोगों की जैसे ये पत्ती है मान लीजिए, और इसके बीच में जो ये मोटी सिरा है, इस चीज को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, फटाफट बताइए। मध्य सिरा, सिरा विन्यास, जालिका रूपी या समांतर सिरा विन्यास, फटाफट से बताएंगे आप लोग। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको बोलते हैं मिडिल वेन। ये क्या है दोस्तों? पत्ती की मध्य सिरा है, ये पत्ती की आप लोगों की मध्य सिरा है। सर का रनिंग फास्ट है इसलिए रनिंग जो है मेरी रनिंग बहुत बुरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, रतौंधी। रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस होती है किसकी कमी से होती है? रतौंधी किसकी कमी से होती है बताइए। सभी लोग अपनी क्लास को लाइक करते रहिए, अपनी क्लास को शेयर करते रहिए और अपनी क्लास को मिलकर सपोर्ट करते रहिए। रतौंधी होती है आप लोगों की किसकी कमी से होती है बताइए? विटामिन ए की कमी से होती है, ठीक है ना। रतौंधी जो है ना आपके विटामिन ए की कमी से होती है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है विटामिन ए, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। अयनांत और आपका बिशप के संबंध में दिए गए जोड़ों में कौन सा सही नहीं है? देखो 21 मार्च पर आपका ये भूमध्य रेखा पर होता है, 21 जून को ये कर्क रेखा पर होता है, 22 दिसंबर को आपका ये जो है मकर रेखा पर होता है, और 23 सितंबर को ये आपका उत्तरी ध्रुव पर होता है। तो कौन सा पॉइंट आपका जो है गलत दे रखा है, इसको बताइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं कि क्या आप इस सवाल का सही जवाब दे पाते हो या फिर नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी तरीके से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये 22 दिसंबर दे रखा है, ये पॉइंट आपका गलत है। बाकी 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर, 21 जून को कर्क रेखा पर,
23 सितंबर को यह होता है उत्तरी ध्रुव पर। सी वाला पॉइंट आपका गलत दे रखा है। ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है? दोस्तों ध्रुव तारा किस दिशा में निकलता है बताइए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो अगर आपने चूज किया है उत्तर तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और आपको मिलता है 2 नंबर, बाकी लोगों की कटेगी 58 सॉरी। तो जिनका भी आंसर आ रहा है उत्तर बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। सर जी एक टीचर को रतौंधी हो गई थी, हो गई होगी ठीक है ना, विटामिन ए की कमी से हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में बदली? तो इनके बारे में दोस्तों आप लोग यहां पर जानते होंगे, यही एक व्यक्ति थे, इन्होंने सिक्के चलाए, लोगों ने नकली सिक्के बनाए, राजधानी चेंज करी, वहां पर हमला हो गया, इन्होंने जो भी काम करे सारे के सारे उल्टे पड़ गए। तो ये और कोई नहीं, इनका नाम है MBT। क्या नाम है दोस्तों? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। अगर आपने चूज किया है मोहम्मद बिन तुगलक, बिल्कुल राइट है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्के बनाए थे, सिक्के लोगों ने नकली सिक्के बना डाले, राजधानी चेंज करी, हमला हो गया यहां पर, क्योंकि इन्हें दोस्तों जो है सैद्धांतिक ज्ञान था, व्यवहारिक ज्ञान नहीं था। कहा जाता है दोस्तों एमबीटी को जो है सैद्धांतिक ज्ञान था, व्यवहारिक ज्ञान नहीं था कि इसको करने से क्या फर्क पड़ सकता है। तो इनको जो है मतलब कह सकते हो थ्योरी वाली नॉलेज थी, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी इनको, ठीक ना, थ्योरेटिकल नॉलेज थी, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा MBT। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता है? इसको बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों, हां हां बताइए, वंदे मातरम आंदोलन। तो अगर आपने चूज किया है दोस्तों सी वाला, वंदे मातरम आंदोलन, तो बिल्कुल राइट है, सही जवाब हो जाएगा वंदे मातरम आंदोलन। चलिए हाँ, MBT को ज्ञान बहुत था, वही तो मैं कह रहा हूं दोस्तों, उनको जो है थ्योरिटिकल नॉलेज बहुत थी बट प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी, थ्योरी बहुत थी। जैसे कि आप लोगों में, आप लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी होगी, यहां पर एक आप लोगों का दोस्तों वो चतुर था और एक कौन था आप लोगों का यहां पर छाछट था, ठीक है ना। तो ये जो था प्रैक्टिकल नॉलेज वाला था और ये था आपका रट्टू तोता था यहां पर, ठीक है। तो ये चीजों को रटने पर विश्वास रखता था, जो रट लिया वही करना है जो किताबों में लिखा है, और ये प्रैक्टिकल नॉलेज वाला था आप लोगों का। 3 इडियट मूवी देखी होगी आप लोगों ने, देखी कि नहीं देखी है। चलो, निम्नलिखित में से किस देश के पास प्रलिखित संविधान नहीं है? दोस्तों किसके पास लिखित संविधान नहीं है इसको बताइए। तो किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? भारत के पास है, पाकिस्तान के पास है, अमेरिका के पास है, लेकिन ब्रिटेन के पास नहीं है। तो अगर आप लोगों ने जो है डी वाला ऑप्शन चूज किया है तो आपको मिलते हैं दोस्तों यहां पर 2 नंबर मिलते हैं। हाँ, पुनशुक बांगड़ू, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों आपका डी वाला। तो जिनका भी आंसर डी आ रहा है बिल्कुल राइट है। तो टोटल आप लोगों के 80 नंबर का पेपर मैंने करा दिया है। अब 41 से शुरू होती है मैथ। मैथ में किस तरीके से इस प्रश्न आएंगे मैं अब आपको उन प्रश्नों को सॉल्व करवाने वाला हूं। किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर्भाग में स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां 6, 7, 8 दे रखी हैं। तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी ये निकालनी है। कभी भी दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए इसको आप कैसे लगाओगे तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, 1/2 बेस लिखना दोस्तों, यहां पर बेस मान लेना कोई त्रिभुज का बेस अगर ए होगा, और ये जो आपको लंबों की लंबाइयां दे रखी होंगी इसको लिख लोगे आप लोग L1 + L2 + L3, ठीक है ना, बराबर। अब ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है तो इसको समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर डाल दो, तो √3/4a² इतना करना है आपको, ठीक है ना। तो अगर आपको समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई निकालनी है, लंबों की लंबाई दे रखी है, तो लंबों की लंबाई बराबर होता है 1/2 ए, L1 L2 L3 बराबर √3/4a² इस ट्रिक को अप्लाई करना है। इस ट्रिक से क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन चुटकी बजाते ही खत्म हो जाएगा। कैसे? देखो, a से मैंने स्क्वायर उड़ा डाला, 2 से मैंने यहां पर 2 × 4 उड़ा डाला, फिर देखो 6, 7 और 8 जोड़ डालो दोस्तों, तो 8, 7 और 6, तो 7 × 3 = 21 हो जाएगा आप लोगों का, ये 21 हो गया, ये 2 है, मल्टीप्लाई मार दो इसकी, तो 21 × 42 √3
बराबर आपको a दे रखा है। अब मैंने दोस्तों क्या किया, रूट तीन से गुणा किया, रूट तीन से डिवाइड किया, तीन ये तीन हो गया, तीन सत्ते इक्कीस, सात दुनी चौदह, तो ये आ गया चौदह रूट तीन। तो a बराबर कितना आ गया दोस्तों, तो a का मान मेरा चौदह रूट तीन आ गया। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, खेल खत्म। अगर आपने सी चूज किया है तो आपको मिलता है दो नंबर और बाकी लोगों की कटेगी अठन्नी। आइए बॉस, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को आगे लेकर चलता हूं, समय निकला जा रहा है क्योंकि मैं समझा भी रहा हूं, नहीं तो ये पेपर जो है आप लोगों का 40 मिनट का है खाली, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो पेपर जो आपका 40 से 45 मिनट में खत्म। क्वेश्चन देखो, आंसर लेकर आओ। देखो, एक कमरे में गलीचा बिछाने का व्यय 120 है, कमरे की चौड़ाई 4 मीटर कम होती तो गलीचा बिछाने का व्यय 20 रुपए कम आता, तो कमरे की चौड़ाई बताए, कमरे की चौड़ाई कितनी होगी। जन्मदिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सर मैं जिम जाकर आती हूं, मैथ नहीं, डर रहा है मुझसे। फोड़ डालो मैथ को, तोड़ डालने का मैथ को, फोड़ डालने का लेकिन समझने का। देखो क्या दे रखा है आपको, बात की गहराई को समझिए। एक कमरे में गलीचा बिछाने का खर्चा दे रखा है, यानी कि आपको क्षेत्रफल का हिसाब दे रखा है 120 रुपए। अगर चौड़ाई कह रहा है 4 मीटर कम होती तो गलीचा बिछाने का जो खर्चा है 20 रुपए कमाता, 100 रुपए में आपका काम चल जाता 4 मीटर कम होने से, तो कमरे की चौड़ाई निकालो कितनी होगी दोस्तों। अब लंबाई आपकी दोस्तों एल वही है, लंबाई आप लोगों की वही है, चौड़ाई आपकी बी है, तो खर्चा आपका 120 रुपए आ रहा है। लंबाई वही है, कह रहा चौड़ाई जो है 4 मीटर कम कर दो, चौड़ाई 4 मीटर कम कर दो तो 20 रुपए का खर्चा कम आ रहा है, तो आपका 100 रुपए खर्चा आ रहा है, तो बी का मान निकाल लो कितना हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो, अल्लाह इसको सॉल्व कर लोगे फटाक से आपका जो है आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा। एल एल कैंसिल हो गया, बी माइनस 4 कैंसिल हो गया, 12 दो छंग 12, दो पंजे 10, बी बी माइनस 4, 5 बी ये आ जाएगा, 6 बी माइनस 24, 24 आ जाएगा। तो दोस्तों चौड़ाई कितनी आ गई दोस्तों, 24 आ गई। तो जिन दोस्तों का भी आंसर 24 आ रहा है बिल्कुल राइट है। मैंने कैसे निकाला आखिर दोस्तों, मैंने 24 कैसे निकाला, मैंने पता है क्या किया, मैंने इसके नीचे बटा लगा दिया, ये बटा लगा दिया, क्वेश्चन को खत्म कर दिया, बस एल से एल उड़ाया, ये बचा बी बटे बी माइनस 4, और इधर जीरो जीरो काटा, दो छंग 12, दो पंजे 10, 6 बटा 5 आ गया, तो ये आ गया 5 बी, ये आ गया 6 बी माइनस का 24, 5 इधर लाए, 6 24 इधर ले गए, तो बी बराबर आपका 24 मीटर हो गया, खत्म। तो अगर आपका आंसर 24 मीटर आ रहा है तो बिल्कुल राइट है, आपको मिलता है दो नंबर। और जिनका आंसर 24 नहीं आ रहा है वो झुंझुना बजाए, सर मेरा ऑनलाइन में एक स्पेलिंग गलत हो गया है। अरे स्पेलिंग छोड़ो, मैं जो मैथ समझा रहा हूं उस पर फोकस करो, ठीक है। तो जिनका भी आंसर 24 आ रहा है बिल्कुल मेरे दोस्त सही है। चलो बॉस, क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखो कैसे लगेगा। एक पाइप एक टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। लाइक यू तक तो ठीक है, इससे ऊपर बढ़ोगे तो मैं फोड़ दूंगा तुम्हें रख के। एक पाइप एक टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है, इस टंकी को साथ खाली करने के लिए एक अन्य पाइप लगा है जिसका व्यास पहले वाले पाइप के व्यास का दोगुना लगा दिया जाता है, तो दोनों पाइप मिलकर टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे। अगर एक जो है हमारा 40 मिनट में खाली कर रहा है जिसका व्यास सिंगल है, और उस दूसरे वाले का व्यास अगर डबल है, तो दोस्तों पानी और उससे तेजी की स्पीड से जो है आप लोगों का खाली होगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों की, 40 है तो यह 8 में खाली होगा। तो दोनों लोग अगर मिलकर काम करेंगे तो यहां पर दोस्तों आप लोगों को कितना समय लगने वाला है, चलिए बताइए सही जवाब आप लोगों का कितना हो जाएगा, फटाफट बताइए। देखो मेरी बात को यहां पर समझिए, अगर मान लीजिए दोस्तों यहां पर व्यास आपका एक है तो ये 40 दे रखा है, इसका व्यास दोगुना है तो ये आपका 10 मिनट में भर देगा, ये आपका 10 मिनट में भर देगा 4 गुनी स्पीड से, ठीक है बॉस। तो 40 और 10 का एलसीएम लिया मैंने 10 लिया, 40 और 10 का एलसीएम लिया मैंने 40 लिया, तो दोस्तों ये 40 एकम 40, 10 चौक 40, 4 और एक 5 आ जाएगा, 5 अट्ठे 40। अगर दोनों एक साथ चलेंगे
तो आपका टंकी 8 मिनट में भर जाएगी। आप लोग एक बात नहीं जानते हैं, व्यास पाइप अगर दे रखा है तो व्यास त्रिज्या का स्क्वायर होता है। व्यास मतलब क्या है, रेडियस दे रखी है, तो रेडियस इनडायरेक्टली आपको दे रखी है दोस्तों यहां पर स्क्वायर की फॉर्म में। देखो यहां पर अगर दोस्तों ये एक है तो ये आपका 4 होगा, अगर ये एक की स्पीड से काम हो रहा है तो ये 4 गुना तेजी से होगा, मतलब अगर ये 40 में हो रहा है तो ये मात्र 10 मिनट में हो जाएगा। तो दोनों लोग चलेंगे दोस्तों तो यहां पर आपका काम जो है मात्र 8 मिनट में हो जाएगा। मिट्ठू आंसर आएगा 8, ठीक है, तो मिट्ठू समझ में आ रहा है। तो जिन दोस्तों का आंसर 8 मिनट आ रहा है बिल्कुल राइट है, ठीक है बॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ए बी मिलकर एक काम को 72 दिन में पूरा करते हैं, तो ए और बी मिलकर दोस्तों एक काम को 72 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर एक काम को 120 दिन में पूरा करते हैं, और सी और ए मिलकर जो है किसी काम को 90 दिन में दोस्तों यहां पर पूरा करते हैं, ठीक है। तो भैया एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम निकालो, सारा खेल एलसीएम निकालने का है। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, देखो यहां पर किस किस से कट रहा है, 9 8 72, 9 1 9 4 12 नहीं कटा 9 से, ठीक है, बस एलसीएम निकालो फिर आप ए की वैल्यू यहां पर निकाल सकते हो। तो फटाफट से आप निकालो, यहां पर क्या आ सकता है, 2160 30 18 24, अभी भी आप लोगों का ये जो अगर मैं यहां पर रख लूं यहां पर 2160 ज्यादा हो जाएगा, 2 1 2 5 10, 2 6 18, 2 1 15, 2 6 2 18, 2 1 2 3 4, 3 5 15, 3 3 9, 3 4 12, ठीक है। तो 72 5 आप लोगों का 120 3 12 3 36, 360। तो यहां पर एलसीएम ले लो 360 ले लो, ठीक है। तो दोस्तों 72 5 360 और 120 3 360 और 90 4 360, ये मेरा आ गया दोस्तों एलसीएम, मैंने 360 लिया यहां पर, ये मेरी वैल्यू आ गई 5 3 4। अब देखो दो बार ए है, दो बार बी है, दो बार आपका सी है, ठीक है ना। तो हमारा 5 3 8 4 12 आ रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो 5 3 8 4 12, 12/2 6 आ जाएगा। तो आपका पूछा है ए अकेला कितने में करेगा, तो दोस्तों बी सी करता है 3 दिन में, तीनों करते हैं 6 दिन में, 3 घटा दो तो ए की वैल्यू हो जाएगी 3। ए करेगा 3 की स्पीड से, तो ए को करने में समय लगेगा 3 1 3, 3 2 6, 0 का 0, तो ए को काम करने में मात्र अकेले करेगा तो 120 दिन का समय लगेगा। तो बॉस अगर आपका आंसर 120 आ रहा है तो बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 120 दिन। तो जिनका भी आंसर 120 आ रहा है बिल्कुल राइट है, आपको मिलते हैं 2 नंबर। देखा दोस्तों आप 60 मिनट भी टिक नहीं पाए, मैं बता दूं दोस्तों आपकी क्लास में 400 से भी ज्यादा लोग थे, आप लोगों ने देखा, लेकिन ये सिर्फ गिनती है। तो मेरे दोस्त तुम डरना और घबराना मत, फॉर्म 54 लाख जरूर पड़े हैं यहां पर, 54 लाख में दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर आधे से ज्यादा जो लोग होंगे वो फिसड्डी ही होंगे यहां पर, वो केवल नाम के लिए फॉर्म भरते हैं, उनका कोई मतलब नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है। आपने क्लास में भी देख लिया 400 से भी ज्यादा बच्चे थे, इस समय आप लोगों के 300 प्लस बच्चे हैं, यानी 100 प्लस मात्र जो है नाम के लिए आए थे, उनका पेपर से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो हिम्मत हार के घर वापस चले गए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं आपको अपनी अंतिम सांस तक लड़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है दोस्तों, क्योंकि हार नहीं माननी है। ऐसा ही पेपर आएगा, पूरा पेपर आपको सॉल्व करना होगा, और पेपर सॉल्व करने में सिर्फ 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मैं आपको सिखा रहा हूं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन आप पूरा पेपर सॉल्व करके ही जाना, हार मत मानना, जो हार मान गया आज वो एग्जाम में भी हार मान जाएगा। समझ में आ रही बात, जो आज हार मान गया वो अपने पेपर में भी हार मान जाएगा। अगला सवाल लगाइए, आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। एक नल किसी हौज को 8 घंटे में भर सकता था, तो ए हमारा 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उसे 16 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा 16 घंटे में खाली कर सकता है, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। 8 और 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा, 8 2 16 प्लस का 16 1 16,
अगर दोनों नल चलेंगे तो एक की स्पीड से काम होगा, तो भरने में जो है काम कितना लगेगा, हौज को पूरा भरने में दोस्तों यहां पर 16 मिनट का समय लगेगा। तो जिनका भी आंसर 16 मिनट आ रहा है बिल्कुल राइट है, सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका 16 हो जाएगा। सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करते रहिए, क्लास को शेयर करते रहिए और अपनी क्लास को मिलकर आप लोग सपोर्ट करते रहिए। आज मैं 80 क्वेश्चन लेकर आया हूं, अभी 46 पर है, अभी आधे क्वेश्चन बचे हैं पूरे के पूरे, ठीक है। इसको देखिए, एक तेल का कनस्तर का 4/5 तेल के कनस्तर तेल का भरा था, इसमें से 6 बोतल तेल निकाल दिया गया, फिर 4 बोतल तेल इसमें डाल दिया गया, तब यह 3/4 भरा रह गया, तो कनस्तर में कुल कितनी बोतल तेल आ सकता है निकालना है। तो एक कनस्तर में आपका 4/5x तेल भरा है, इसमें से मैंने जो है 6 बोतल निकाला, फिर 4 बोतल तेल डाल दिया, अब भी दोस्तों ये 3/4 भरा है, तो अब भी मेरे दोस्त ये आपका 3/4 भरा है, तो इस कनस्तर में टोटल कितनी बोतलें आ सकती हैं ये निकालना है आपको। तो मैं क्या करूं, इसको इधर ले आऊं, देखो दोस्तों 4/5x माइनस का दोस्तों 3/4x, ये 6 में 4 जाएगा माइनस का 2 बचेगा, इधर जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा, इधर हो जाएगा 5 × 4 = 20 और ये हो जाएगा दोस्तों 4 × 4 = 16 और ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, 16 × 15 जाएगा x बटे 20 = 2, 20 × 2 = 40। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आपका 40 आ जाएगा, यानी कि कनस्तर में दोस्तों कितनी बोतलें भरी गई हैं यहां पर। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, तो कनस्तर में टोटल आपकी 40 बोतलें भरी गई हैं। सोनू शर्मा बेटा तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, कभी नेहा कभी स्नेहा कभी निक्की कभी शिवानी कभी बाबू, ठीक है ना, कभी सोना तो कभी पूजा, तुम बेटा एक नंबर के दिल फेंक आशिक हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, जो एक का नहीं वो किसी का नहीं और उसका मेरे चैनल पर कोई काम नहीं, ठीक है, जो एक का नहीं वो किसी का नहीं, इतनी फोटोकॉपी लेकर घूम रहे हो, भटकते रहोगे ऐसे ही, कुछ नहीं हासिल होगा, एक के बन के रहो तभी कुछ हासिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए, निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सी बड़ी 3/4 और 5/6 से छोटी है। तो दोस्तों आपको यहां पर क्या बताना है, देखिए दोस्तों कौन सी जो है 3/4 से बड़ी और 5/6 से छोटी है, 3/4 से जो है बड़ी है और 5/6 से आप लोगों की छोटी है, 5/6 से आप लोगों की छोटी है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर देखो 6 × 3 = 18, यहां आपका 4 × 5 = 20, नीचे आ गया 24, 2/3 रख के देख लो यहां पर 2/3, तो 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 और 4 × 2 = 8, तो 9 × 8 से, तो भैया ये तो दोस्तों यहां पर जो है इससे बड़ी निकल गई यहां पर, ठीक है, तो ये चीज तो आपकी होगी नहीं। ऐसे दोस्तों आप एक ही करके जो है अपने सारे ऑप्शन चेक कीजिए, तो यहां पर आप ये पहला गलत हो गया, 1/2 रखा दोस्तों ये भी आप लोगों का गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 4/5 दे रखा है, यहां रखो 4/5, तो 5 × 3 = 15, 4 × 4 = 16, तो 15 छोटा है 16 से, ऐसे देखो दोस्तों यहां पर 5 × 25 और 6 × 24, तो 24 छोटा है 25 से, तो 4/5 3/4 और 5/6 के बीच में आएगा, तो अगर आपका आंसर आ रहा है 4/5 बिल्कुल राइट है, ठीक है। नहीं मानते हो तो आप एलसीएम भी ले लो, यहां पर एलसीएम ले लो दोस्तों, 6 × 5 = 30 × 120 तो भी आ जाएगा, नहीं तो एलसीएम लेने की आपको जरूरत नहीं है, यहां पर देखो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 × 3 = 15, यहां लिखो 4 × 4 = 16, तो देखा दोस्तों 15 छोटा है 16 से, ये निकाल लिया। ऐसे यहां पर देखो दोस्तों 5 × 5 = 25 और 6 × 4 = 24, तो दोस्तों आपने देखा कि 24 जो है छोटा है 25 से, तो ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4/5, ठीक है बॉस। चलो अब ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, टफ है, लेकिन मैं इसको भी आपके लिए आसान बना दूंगा, कैसे, देखो 2.3 का आपको दे रखा है होल ऑफ क्यूब प्लस ये दे रखा ना 27 दे रखा है, तो 27 दे रखा है आपको 27/1000 दे रखा है आपको, यानी कि 3/10 का ये क्यूब है, तो इसका मतलब आप समझे आप लोग, ये लिखा है 0.3 का होल ऑफ क्यूब दे रखा है, नीचे क्या दे रखा है दोस्तों, नीचे दे रखा है आपको दोस्तों 2.3 का स्क्वायर,
ये माइनस का लिखा है ना दोस्तों, तो 23 तिया होता है 56, तो 2.3 इंटू 0.3 और प्लस ये जो 9 लिखा है 3 का स्क्वायर है, 0.0.3 का स्क्वायर है। तो दोस्तों ये है ए क्यूब बी क्यूब, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको देखिए, तो a प्लस बी है ना, तो a प्लस बी बचेगा, बाकी कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से, नीचे दे रखा है आपको ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये कैंसिल होगा, फाइनल बचेगा a प्लस बी, तो आपका आ जाएगा 2.3 प्लस का 0.3 तो आपका आ जाएगा 2.60। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 2.60। तो जिन दोस्तों का भी आंसर ए आ रहा है बिल्कुल राइट है, तो अगर आपका आंसर ए आ रहा है तो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, समझ में आ रही बात। चलिए अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए, दो संख्याओं का लासा उसके मासा का 20 गुना है, जो लासा है ना उसके मासा का 20 गुना है, तो HCF दे रखा है आप लोगों का, लासा उसके मासा का 20 गुना है, यानी कि LCM जो दे रखा है यहां पर ये 20 गुना है मासा का HCF का, लासा और मासा का योग दे रखा है 2520, तो LCM प्लस HCF ये दे रखा है आप लोगों को 2520 दे रखा है। एक संख्या 480 है दूसरी निकालना है, देखो LCM की वैल्यू कितनी है, 20 HCF है, तो LCM बराबर लिख दो 20 HCF, प्लस का लिखा है HCF, ये एक HCF है, ये लिखा है 2520, तो 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो 21 HCF बराबर लिखा है 2520, तो HCF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 21 से काटो, 21 एकम 21 चार बचा, 21 दुनी 42 जीरो का जीरो, तो HCF बराबर आ गया 120, तो HCF की वैल्यू दोस्तों हमारी 120 आ गई है, तो LCM कितना आ जाएगा, LCM आ जाएगा 20 इंटू 120, तो पहली संख्या 480 है दूसरी निकाल लो, तो पहली संख्या 480 दूसरी संख्या y, लासा कितना है, लासा है 120 दुनी 240 तो 2400, 12 दुनी 2400, लासा 2400 और मासा 120 है, तो 12 चौक 48 120 चौका 480 और 4 छक 24 600, तो y का मान कितना आ जाएगा, दूसरी संख्या आपकी आ जाएगी 600 आ जाएगी। ओके तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, तो अगर आपका आंसर 600 आ रहा है तो बिल्कुल राइट है, ठीक है बॉस, क्लियर है दोस्तों, यहां पर सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करते रहिए, क्लास को शेयर करते रहिए और अपनी क्लास को मिलकर यहां पर आप लोग जो है सपोर्ट करते रहिए, जितने भी लोग क्लास में को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए और अपनी क्लास को मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए, 0.796 इंटू 0.796 माइनस दे रखा है 2.24 और ये दे रखा है 0.204, तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये 204 है, इसको सही कर लो, ठीक है ना, ये भी आपका 204 दे रखा है और ये दे रखा है दोस्तों, ये और ये दे रखा है, तो ए का मान कितना है दोस्तों, देख लो आप लोग, ए का मान दे रखा है 0.796, ए का मान कितना दे रखा है, ए का मान दे रखा है 0.796 और बी का मान कितना दे रखा है, 0.204 दे रखा है, अभी नहीं आया है, जब आएगा मैं बता दूंगा, तो ये दे रखा है आपको ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, नीचे दे रखा है ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है दोस्तों ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, नीचे आपका ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, आपको क्या निकालना है, आपको केवल ए प्लस बी निकालना है। ओके तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी का मान निकाल लो, कैसे आ जाएगा दोस्तों, 6 4 10 9 1 10 7 3 10 1 1 1, तो a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 1, बात समझ में आ रही दोस्तों, तो अगर आपका आंसर 1 आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। ओके समझ में आ रहा है, जो यहां पर मुंह उठा के कह देते हैं कि किसी का पढ़ाया हुआ नहीं आता, माय डियर
सेम बिल्कुल क्वेश्चन का पैटर्न सेम ऐसा ही रहेगा, क्वेश्चन छपकर मिलेगा, जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं ना वो कॉन्सेप्ट पेपर में आता है। ठीक है, खाली यहां पढ़ने से भी आपका कुछ नहीं होगा, आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी। डिपेंड करता है कि आप घर पर कितनी मेहनत करते हो। बात समझ में आ रही है दोस्तों? क्लियर है? तो खुद भी आपको यहां पर पढ़ना पड़ेगा, खाली यहां पर पढ़ने से भी ऐसे आपका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि दोस्तों आप क्लास देख रहे हो, क्लास में आप बातें भी कर रहे हो, सब कर रहे हो, फिर कहते हो सिलेक्शन नहीं हुआ, पेपर में एग्जाम में नंबर नहीं आए। तुम यहां पर कितनी मेहनत से पढ़ रहे हो ये बताओ, तुमने कितने क्वेश्चन अपने आप लगाए, यहां पर लगाने की कोशिश करी कि नहीं करी? बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप लोगों को यहां पर क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे ही कॉन्सेप्ट मिलेंगे। भले ये नंबर ना आए, भले ये क्वेश्चन का नंबर ना आए, लेकिन फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आपको इस तरीके के देखने को मिलेंगे। तो प्रैक्टिस तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी ना, मैं आपको जो है कोई घुट्टी तो पिला नहीं दूंगा कि आपके एग्जाम में आ जाएगा, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। किसी आयत की दो संलग्न भुजाएं दे रखी हैं 4:3। तो आयत की दो संलग्न भुजाएं दे रखी हैं 4:3, क्षेत्रफल 192 है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा यह आपको निकालना है। देखो दोस्तों, लंबाई है 4x, चौड़ाई है 3x, क्षेत्रफल दे रखा है 192, क्षेत्रफल दे रखा है 192। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, तो 4 तिया 12, 12 एकम 12, 12 छंग 72, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16, 4 चौक 16, एक्स बराबर 4 हो गया। तो x बराबर मेरा 4 हो गया, तो लंबाई कितनी होगी दोस्तों, यहां पर लंबाई हो गई दोस्तों 4 चौक 16 हो गई, और चौड़ाई 4 तिया 12 हो गई। तो आपको क्या निकालना है, परिमाप। तो आयत का परिमाप होता है 2l + b। तो 2 लंबाई कितनी है, लंबाई दे रखी है आपको 16, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई दे रखी है आपको 12। तो 16 6 2 8, 6 2 8, 1 और 1 2 28, और 28 दुनी कितना हो जाएगा आपका 56, 2 8 16, 2 2 4 1 5, 56 मीटर आ जाएगा। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा आप लोगों का 56 मीटर। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों का 56 मीटर आ रहा है तो बिल्कुल राइट है, सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 56 मीटर। ठीक है बॉस, चलिए। हाँ, पीडीएफ फाइल में जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। देखो पीडीएफ की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने जो आपको किताब बताई है चक्षु पब्लिकेशन की, अगर चक्षु की किताब आपके पास है तो मैं यहां पर 20 दिन में जो 20 सेट है ना चक्षु के, आपको सारे खत्म करा दूंगा। ये वाले जो आपके सेट है ना, ये वाले कहेंगे आपका, ये वाली जो आपकी बुक है चक्षु की, ये मैं पूरी की पूरी आप लोगों को कंप्लीट कराने वाला हूं। आप यहां पर देख सकते हैं 20 दिन के अंदर आप लोगों की पूरी किताब खत्म। 20 दिन में दोस्तों मैं आप लोगों को ये वाली जो किताब है पूरी की पूरी आपको निपटा दूंगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता यहां पर नहीं होगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यदि मोहन अपने घर से अपने कार्यालय 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। देखो मोहन अपने घर से ऑफिस, देखो दोस्तों यदि मोहन अपने घर से कार्यालय जो है 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। दूरी निकालनी है, तो इसका निकालने का फंडा क्या है, देखो मैं बताता हूं आपको। दूरी बराबर आपका क्या होगा, दोनों चालों का आप लोगों का यहां पर गुणनफल 16 × 20, यहां पर आपको जो टाइमिंग दे रखी है वो लिखेंगे, यहां पर आप डिफरेंस लिखेंगे, इनको जोड़ेंगे, यहां पर ये देखो पहले है और ये देर से है, तो टोटल टाइम दे रखा है 10 5 15, बटे आप लोगों का यहां पर 60 हो जाएगा, इधर 20 30 36, ये आप लोगों का 36 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, दूरी जो है आप लोगों की कितनी निकल कर आएगी बताइए, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, या फिर आप लोगों का डी आ जाएगा, फटाफट से बताइए दोस्तों यहां पर।
आपका करेक्ट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा। ओके, तो डिफरेंस कितना आ रहा है आप लोगों का, चार आ रहा है। तो दोस्तों देखिए, सिंपल सा फंडा है आपका, 15 चौक 60 और 4 चौक 16, तो दूरी बची 20। दूरी कितनी आ जाएगी, 20 किलोमीटर आ जाएगी। जिनको ये ट्रिक नहीं आती वो ट्रिक नोट कर लीजिए दोस्तों। ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं यहां पर, ट्रिक क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन लगाने की आप लोगों की जो ट्रिक है वो ये है। दूरी बराबर होती है दोनों चालों का गुणनफल, दोनों चालों का गुणनफल नीचे चालों का डिफरेंस इनटू टाइम। अगर एक देरी है और एक पहले पहुंच रहा है, अगर टाइम अपोजिट दे रखा है, एक देरी में एक पहले में, टाइम अगर अपोजिट दे रखा है तो T1 प्लस T2 कर देंगे, अगर ये मिनट में है तो बटे 60 से डिवाइड कर देंगे। ये ट्रिक अप्लाई करनी है, क्वेश्चन आपका चंद लम्हों में लग जाएगा। तो जिनका भी आंसर 20 आ रहा है उनको मिलते हैं 2 नंबर, और बाकी वालों के कटेंगे दोस्तों यहां पर कितने, 98। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। अमर किसी काम का 1/4 3 दिन में कर रहा है, अगर 1/4 3 दिन में कर रहा है तो पूरा 4 3 12 दिन में करेगा। तो अमर एक काम को 12 दिन में करता है, शंकर उसी काम का 1/6, तो 6 चौक 24, 1/6 काम 4 दिन में कर रहा है तो शंकर पूरे काम को 24 दिन में करेगा। यदि दोनों मिलकर काम को पूरा करें तो 1800 रुपए के मेहताने में अमर को कितनी राशि मिलेगी। एलसीएम लो 24, 12 दुनी 24, 24 एकम 24, तो अमर क्या हिस्सा निकालना है, अमर की वैल्यू 2 है, टोटल 2 और 1 3 में से, अमर का 3 में से 2 हिस्सा है, 1800 रुपए में अमर को कितना मिलेगा निकाल दो, 3 6 18 6 दुनी 12, तो अमर को यहां पर 1200 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो अमन को कितने मिलेंगे दोस्तों, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो अमन को माय डियर 1200 रुपए देखने को मिलेंगे। तो जिनका भी आंसर 1200 आ रहा है बिल्कुल राइट है, सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा 1200 हो जाएगा। यदि ए का वेतन 20 के वेतन से 25% ज्यादा है और ये पूछेगा कम कितना है, कभी भी दोस्तों कम ही पूछे, ये 25 दे रखा है, ज्यादा दे रखा है तो 25 लिखो ऊपर, ये ज्यादा है 100 में जोड़कर लिखो नीचे, 125 इंटू 100 कर दो, आपकी कमी निकल आएगी दोस्तों, आपकी यहां पर दोस्तों डायरेक्ट कमी निकल आएगी। कैसे निकालोगे, देखो 25 पंजे 125 और 5 दुनी 10 0, तो कमी आ जाएगी 20%। तो अगर आपने चूज किया है सी, अगर आपने सी चूज किया है 20%, तो आपको मिलते हैं 2 नंबर और बाकी लोगों की कटेगी 98। ठीक है बॉस, थोड़ा लग रहा तुम्हें नींद आ रही है, तुम थोड़ा आराम कर लो, ठीक है बेटा, थक गई हो तुम। इतना जरा सा नन्ना मुन्ना सवाल जो है, बिल्कुल इतो सा सवाल, नन्ना सा मुन्ना सा भोला सा भाला सा प्यारा सा, इतना क्यूट सवाल आपसे नहीं लग रहा है। 25 ज्यादा है तो ऊपर 25 लिखा, नीचे 125 इंटू 100, अगर कहता कमी लिखता तो नीचे घटा के लिखते, ज्यादा है तो जोड़ दिया, कमी है तो घटा देंगे, बस इतना करना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। 2x-1/3x = 4 दे रखा है, तो 27x³ माइनस का 1/8x³, तो इसका मान क्या होगा इसको बताइए। तो आपका सही जवाब क्या होगा, देखिए अब यहां 27 दे रखा है, यहां पर 8 दे रखा है, यानी इसको 3 बनाना है, इसको 2 बनाना है, क्या करें। तो दोस्तों 3/2 से डिवाइड कर दो इसको, 3/2 से यहां पर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर, तो ये दे रखा आपको 2x माइनस का 1/3x बराबर आपको 4 दे रखा है ना, 4, तो इसकी मल्टीप्लाई मैंने क्या किया 3/2 से कर दी। देखो दोस्तों मैंने 3/2 से मल्टीप्लाई क्यों की है, क्योंकि मुझे यहां पर 3 लाना है और यहां पर 2 लाना है, मल्टीप्लाई करो तो 2 से 2 कटेगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 3x, 2 से 2 कट जाएगा, अगर 3 से 3 कटेगा दोस्तों तो ये 1/2x हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 2 दुनी 4 3 दुनी 6, तो बराबर में आपका 6 आ गया। तो 3x-1/2x = 6 है। अब आप लोगों को क्यूब निकालना है, तो क्यूब का फंडा क्या होता है, क्यूब बराबर होता है दोस्तों k³ माइनस है तो प्लस का आपका हो जाएगा 3k, यही तो फंडा है आपका, लेकिन यहां पर आपको 3 और 2 भी दे रखा है हमारा यहां पर,
तो 3 और 2 ये भी हमारा जो है गुणा करने में दोस्तों आ जाएगा। तो 6 का क्यूब आपका दोस्तों 216, ये तो आपका रहेगा ही रहेगा। ए भी आप लोगों का यहाँ पर और आ जाएगा दोस्तों। तो फाइनल जो है आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस का 6 3 18 और बाकी 3/2 ये आपका 7 में रहेगा, 3 ये 2 ये, क्योंकि ए भी आता ना दोस्तों 3 ए भी, तो 2 निमा 18 9 3 27 जोड़ दो, 7 6 13 2 2 4 2 का 2, तो यहां पर हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा, सही जवाब आ जाएगा मेरे प्यारे साथी 243। तो दोस्तों इसकी ट्रिक याद रखिएगा, कभी भी दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो दोस्तों फाइनल अगर क्यूब करना हो तो क्यूब करने में आपकी ट्रिक क्या रहती है, क्यूब करने में आपकी ट्रिक रहती है के क्यूब माइनस का 3 के, और अगर आप लोगों का यहां पर सपोज जैसे ये ए दे रखा हो और ये अगर मान लो आपका बी दे रखा हो तो इंटू में आप a/b और कर देना, इंटू में a/b और कर देना। तो मैंने क्या किया दोस्तों, 6 का क्यूब 216 प्लस 6 3 18 इंटू का दोस्तों यहां पर आपका क्या था 2 था, यहां आपका 3 था, तो इंटू में 2/3 कर दिया। तो सॉल्व करोगे ना आप लोग तो सॉल्व करने पर आपकी वैल्यू 243 आ जाएगी, सॉल्व करने पर आपकी वैल्यू 243 आ जाएगी। इस ट्रिक को आप अप्लाई करोगे तो आप टोटल सवाल को चंद लम्हों में सॉल्व कर दोगे, बस मेरी ट्रिक याद रखना, ठीक है ना, मेरी ट्रिक याद रखोगे एग्जाम में काम में आएगी, समझ में आ रही है बात। चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 सालों का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 80 है, धनराशि निकालनी हो तो इसमें मेरी ट्रिक याद रखना दोस्तों, सीआई और एसआई का डिफरेंस बराबर होता है पी ब्रैकेट में r/100^2। कभी भी दोस्तों अगर आपको यहां पर 2 साल दे रखा हो, दर दे रखा हो और सीआई और एसआई का डिफरेंस दे रखा हो, पी का मान निकालना हो तो ये ट्रिक अप्लाई करना। ओके, अब देखिए दोस्तों सीआई और एसआई डिफरेंस 80 है, मैंने पी फाइंड आउट करना है, आर दे रखा है 4/100, इसका करना है स्क्वायर। तो दोस्तों पी लिखा, 2 दुनी 4 से काट दो, 4 एकम 4 4 दुनिया 8 4 5 20, तो 1 का स्क्वायर 1 25 का स्क्वायर 625, तो 625 की 80 से गुणा कर दो तो पी बराबर आ जाएगा 80 × 625। अब ये गुणा कर लो, यहां पर एक जीरो लगा लो, 8 5 40 4 8 दुनी 16 4 20 8 6 48 2 50, तो हमारा मूलधन कितना आ जाएगा, हमारा मूलधन आ जाएगा 50,000 रुपए। तो धनराशि कितनी होगी दोस्तों, तो यहां पर आपकी धनराशि हो जाएगी 50,000 रुपए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपको दिया गया है, कोई राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में उसी दर से साधारण ब्याज पर वह 2 गुनी हो जाएगी। सिंपल सी बात है, 20 साल में 3 गुनी तो कितने साल में 2 गुनी होगी। तो दोस्तों इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूं, क्या ट्रिक है, इस सवाल को लगाने की ट्रिक है, T1/T2 बराबर होता है N1-1/N2-1, ये आपका फॉर्मूला है, ट्रिक है। अगर आप इस ट्रिक को लगाएंगे तो चंद लम्हों में आपका सवाल लग जाएगा। तो 20 साल दे रखा है, 20 कितने सालों में T2 निकालना है, यहां 3 गुना दे रखा है तो N1 3 है, 3 में से 1 घटाएंगे 2 हो जाएगा, और 2 गुना है 2 में से घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो 2 एकम 2 2 दाम 20, तो T2 कितना हो जाएगा, T2 बराबर आ जाएगा 10 वर्ष। T2 कितना आ जाएगा दोस्तों, T2 आपका आ जाएगा 10 वर्ष आ जाएगा। तो इस सवाल को लगाने की सबसे बेहतरीन नंबर 1 ट्रिक पूरे YouTube पर आपको कोई नहीं बताएगा, तो इस सवाल को लगाने की सबसे बेहतरीन ट्रिक है T1/T2 बराबर N1-1/N2-1, ये लगाओ और सवाल का खल्लास खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा, ठीक है बॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो तो चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपए में 3 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य निकालना है। कभी भी दोस्तों अगर तुमसे प्रारंभिक मूल्य पूछा जाए, अगर कभी भी तुमसे प्रारंभिक मूल्य पूछा जाए तो इसकी ट्रिक देख लो दोस्तों,
प्रारंभिक मूल्य निकालने की ट्रिक क्या है? जो वैल्यू दे रखी होगी कमी या उपलब्धि, तो कमी या वृद्धि को ऊपर लिखोगे, कमी है तो 100 में से कमी घटा दोगे, वृद्धि होगा तो जोड़ दोगे आप लोग, अगर वृद्धि होगा दोस्तों तो आप जोड़ दोगे, इंटू रुपए लिखोगे ऊपर और मात्रा लिखोगे नीचे। ये ट्रिक है इस सवाल को लगाने की, ठीक है। अरे तुम तो बाबा हो, तुम्हारे पास तो हर समस्या का समाधान है। ओके बॉस, तो देखो कमी कितने की हो रही है, 20% की कमी हो रही है, तो ऊपर लिखा 20, तो हमें 20 घटाओगे नीचे कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, इंटू रुपया कितना है दोस्तों, रुपया दे रखा है 120, और मात्रा कितनी है, मात्रा दे रखी है 3 किलो। सॉल्व कर लो यहां पर, तो दोस्तों 20 चौक 80 और 4 3 12 30 और 3 धाम 30, तो आंसर आपका 10 आ जाएगा, 10 रुपया। तो जिन दोस्तों का आंसर 10 आ रहा है बिल्कुल राइट है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 10 रुपए। तो प्रारंभिक मूल्य कितना आ जाएगा दोस्तों, प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा 10 रुपए, ठीक है बॉस। चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है, उसे कुल 90 अंक प्राप्त होते हैं और वह 10 नंबरों से फेल हो जाता है, तो अधिकतम अंकों की संख्या कितनी होगी, इसको बताइए। देखो दोस्तों 40% नंबर लाने पर व्यक्ति पास हो जाएगा, 90 नंबर ला रहा है 10 नंबर से फेल हो रहा है, यानी 40% जो नंबर है, 90 लाया 10 और लाता तो पास हो जाता, तो 40% बराबर आपको दे रखा है 100। तो मेरे प्यारे मित्रों 2 × 4 0 का 0, 2 × 5 = 10, 50, 20% बराबर 50, तो 20 × 5 = 100 और 5 × 5 = 25, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 5 × 25 = 250 नंबर। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 100% की वैल्यू आपकी 250 आ जाएगी, 40% बराबर आपको 100 दे रखा है, 40% की वैल्यू अगर 100 है तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 250, ठीक है। चलो अब ये है मैथ का आखिरी सवाल। तो दोस्तों जिसको भी मैथ ने दुख दर्द पीड़ा समस्या संकट ग्रह कलेश सूर्य दशा शनि राहु केतु अगर आपके खराब हुए हैं उस मैथ को देखकर, तो मैथ इसी तरीके से पेपर में आएगी, परेशान होने का बिल्कुल नहीं है। तो मैथ का अंत होने वाला है, मैथ का खात्मा होने वाला है, फिर 20 क्वेश्चन होंगे आपके हिंदी के। अब देखो दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 30 किलोमीटर और 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। धीमी गति से चलने वाली गाड़ी में बैठा व्यक्ति तेज गति वाली रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार करता है, तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई निकालिए। तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है, तो दोस्तों दोनों की दिशा सेम है, दोनों की दिशा आप लोगों की सेम है, तो सेम डायरेक्शन अगर सेम होती है तो चालों को घटा देते हैं, डायरेक्शन अगर सेम होती तो चालों को घटा देते हैं, तो 58 में से 30 घटा देंगे, घटा लो। और दूसरी चीज ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और टाइम कितना दे रखा है, टाइम 10 दे रखा है, 18 सेकंड का दे रखा है, सॉल्व इट। 5 × 3 = 28 × 5, 18 कैंसिल हो जाएगा, 28 × 5 = 140 मीटर। तो तेज वाली ट्रेन की लंबाई कितनी है, तेज वाली ट्रेन की लंबाई 140 है बॉस। तो अगर आपका आंसर 140 आ रहा है बिल्कुल राइट है। हिंदी है हम वतन है सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदी है हम वतन है ये गुलसिता हमारा हमारा। चलिए तो हिंदी की शुरुआत करते हैं। अब आपके 20 क्वेश्चन आप लोगों के हिंदी के होंगे, तो आप यहां पर देख सकते हो निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी आप लोगों की सही नहीं है, तो अब आप लोग को बताना है सही जवाब क्या हो जाएगा। सर सारे टीचर को नेपच्यून पर भेज दो, ना रहेगा पास ना बजेगी बांसुरी, तुम तो जो है ऐसे रहोगी। देखिए तो मेरे प्यारे मित्रों अब आपको यहां पर क्या बताना है,
कौन सी वर्तनी शुद्ध नहीं है? श्लिष्ट, शाश्वत, यावत जीवन, समुन्नतशील। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला। तो यावत जीवन गलत दे रखा है, शाश्वत, श्लिष्ट, समुन्नतशील सब राइट है। अगर आपने डी चूज किया है तो आपको मिलते हैं 2 नंबर। ओके, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। मैं रजाई के अंदर लाइट ऑफ करके पढ़ाई कर रही हूं, पढ़ने का मजा ही यही एकदम, ठीक है ना। तो मेरा भी दोस्तों कभी कुछ नया सीखने का मन होता है, कोई अच्छा सा टॉपिक देखने का मन होता है, तो मैं आराम से जो है मोबाइल उठाया, कोई टॉपिक देखा, आराम से बैठे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सबसे बढ़िया ठंड में अपना रजिया ओढ़ो, मोबाइल लगा लो सामने, अपना पढ़ते रहो, कोई टेंशन नहीं, झंझट ही खत्म, ठंड बहुत है, रजाई ओढ़ के पढ़ो। चलो, गजानन शब्द में संधि बताओ कौन सी है? गजानन शब्द में आपकी संधि कौन सी है बताइए। गजानन में दोस्तों संधि कौन सी है? तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो, गज प्लस आनन, तो छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर आपका बड़ा आ बन रहा है, तो इसमें आपकी दीर्घ स्वर संधि है। गजानन में कौन सी दोस्तों यहां पर? तो गजानन में आप लोगों की दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरोहित शब्द में कौन सी संधि है? ओके, पुरोहित शब्द में आप संधि बताइए कौन सी है? पुरोहित, पुर प्लस पुरोहित। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर हम बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? पुराहा प्लस हित, तो पुरोहित हो जाएगा। तो इसमें आपकी विसर्गे लगेंगे दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। जिनका भी आंसर सी आ रहा है, बिल्कुल राइट राइट है। अव्ययभी समास, अव्ययभी भाव समास के संबंध में कौन सा कथन सही है? चलिए बताइए दोस्तों। यहां पर देखिए दोस्तों, जो आपका अव्ययभी भाव समास होता है, मैं तो कम भी कर रहा हूं, क्लास भी देख रहा हूं, मेहनती बच्चे ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना, काम भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। पूर्व पद आपका प्रधान होता है, सामाजिक शब्द, सामासिक शब्द जो है, तो पूर्व पद इसमें आपको प्रधान देखने को मिलेगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो जिनका भी आंसर सी आ रहा है उनको मिलते हैं 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जन्म में कौन सा समास है? तो जन्म से पहले क्या लगा है? आ लगा है, आ जन्म। तो आ हमारा क्या है? आ हमारा जो है पूर्व पद प्रधान है, अव्यव है। तो आ हमारा क्या है? आ हमारा अव्यव है, इसलिए इसमें हमारा समास कौन सा होगा? इसलिए हमारा समास होगा अव्ययभी भाव समास होगा। तो जिन दोस्तों का आंसर डी आ रहा है, बिल्कुल राइट है। जितने भी लोग दोस्तों यहां पर क्लास को देख रहे हैं, सभी लोगों से निवेदन है कि अपनी वीडियो को लाइक करते रहें, अपनी क्लास को शेयर करते रहें, अपनी क्लास को मिलकर आप लोग सपोर्ट करते रहें, ठीक है। नहीं ग्रीस, तुम मेहनती नहीं हो बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल तुम मेहनती नहीं हो यहां पर। भिक्षुक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? भिक्षुक में आपको प्रत्यय बताना है दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा? भिक्षुक, समझ में आ रहा है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें आप लोगों का कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो जिन दोस्तों का आंसर बी आ रहा है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यंत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अति प्लस अंत, अत्यंत। समझ में आ रही दोस्तों बात? अत्यंत का मतलब क्या होता है? अति प्लस अंत, ठीक है। तो अति प्लस अंत, अत्यंत। शैली सिंह, केवल आप जो है यहां पर जीके में ही अच्छी हैं, ओके, बाकी आपके सब्जेक्ट बहुत वीक हैं। जीके जो है आपकी अच्छी है, मैंने देखा है शैली, जीके में आप बढ़िया हैं, बाकी सब्जेक्ट में जो है आपका हिसाब बहुत बुरा है, बहुत खराब है। तो अति मेरा उपसर्ग है और अंत मेरा जो है मूल शब्द है। तो अगर आपका आंसर अति आ रहा है तो आपको मिलते हैं 2 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिया गया है, इसको बताइए। इसका अंदाजा लगाना कठिन है, आप मुझे बताइए दोस्तों इसमें किस भाग में आपकी त्रुटि दे रखी है? इसका अंदाजा लगाना कठिन है, क्या लगता है आपको? यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर आप लोगों का डी होगा? फटाफट से बताइए।
मेरे प्यारे मित्रों, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अपनी क्लास को जो है सपोर्ट करते रहिए, अपनी क्लास को मिलकर जो है आप लोग यहां पर सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आज आप लोगों की क्लास यहां पर चल रही है, तो इसका अंदाजा लगाना कठिन है। तो मुझे तो दोस्तों ये वर्ड बिल्कुल सही लग रहा है यहां पर, इसमें किसी भी तरीके की कोई गलती नजर आ रही है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, इसका अंदाजा लगाना कठिन है, तो इसका अंदाजा लगाना कठिन है, कोई त्रुटि है। क्या लगता है दोस्तों इसमें क्या त्रुटि होगी, पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में, तीसरे पार्ट में, या कोई त्रुटि नहीं है? अगर त्रुटि है तो वो क्या है? तो इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, कठिन है, मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो अगर आपका आंसर डी आ रहा है तो बिल्कुल राइट है, सही जवाब आप लोगों का डी होगा, इसमें कोई भी आप लोगों की त्रुटि या गलती नहीं है। अंदाजा लगाना मुश्किल है, अंदाजा लगाना कठिन है, बात सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों प्रकार के लेखक एक ही कोटी में रखे जाने योग्य हैं। अब बताओ दोस्तों इसमें आप लोगों की त्रुटि कहां पर है, चलिए बताइए। दोनों प्रकार के लेखक एक ही कोटी में रखे जाने योग्य हैं, तो यहां पर आप मुझे बताइए दोस्तों सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर आपका डी होगा, फटाफट से बताइए। दोनों प्रकार के लेखक एक ही कोटी में रखे जाने योग्य हैं, तो इस वाक्य की बात करेंगे दोस्तों, ये भी बिल्कुल आपका राइट है, सही जवाब आपका डी होगा, इसमें किसी भी प्रकार की आपकी त्रुटि नहीं है। चलिए, नहीं ग्रीस में ऐसा नहीं कहता, अगर आप किसी में भी अच्छे नहीं है बिल्कुल नहीं मरिए, आपका बिजनेस तो जो है सबसे ऊपर है, ठीक है ना। हमारा काम चले ना चले, इन बच्चों का यहां पर सिलेक्शन हो ना हो ग्रीस बाबा, लेकिन आपका काम तो हमेशा चलता रहेगा, लोगों की श्रद्धा, लोगों का विश्वास सदैव आप पर बना रहेगा, ठीक है ना। आप तो धन्य पुरुष है, महान आत्मा है, आप तो महान व्यक्ति हैं, मैं आपसे क्या कह सकता हूं। वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, तो यहां पर लड़की की दोस्तों बात हो रही है कि वो जो है बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, तो इसमें आपको क्या लगता है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। देखिए दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहां पर आप लोगों की त्रुटि है, बिल्कुल भी में यहां पर वह बात करना नहीं चाहती, सिंपल सी बात है दोस्तों, वह बात करना नहीं चाहती। बिल्कुल क्यों लगाएंगे दोस्तों यहां पर, बिल्कुल शब्द का प्रयोग यहां पर गलत है, उसे बात नहीं करनी, सिंपल सी बात, नहीं करनी मत करो, क्या फर्क पड़ता है यहां पर, तो उसे जो है बात नहीं करनी है, तो आपका यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वह बात करना नहीं चाहती थी, तो बी वाले में आपको यहां पर एरर दे रखी है। हम तो अवश्य ही जाएंगे, अब बताइए दोस्तों इसमें आप लोगों की गलती कहां पर है। हम तो अवश्य जाएंगे, हम तो अवश्य ही जाएंगे, हम तो अवश्य जाएंगे, तो मेरे प्यारे मित्रों अब बताइए दोस्तों इसमें किस भाग में आपकी त्रुटि है, बताइए। हम तो जाएंगे, हम तो अवश्य जाएंगे, हम तो अवश्य ही जाएंगे, बताइए। देखिए दोस्तों, जब अवश्य शब्द का प्रयोग हो गया है, जब अवश्य शब्द का प्रयोग हो गया है तो ही लगाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अवश्य का मतलब काम हो गया जरूरी, कि मुझे करना ही करना है, मुझे करना ही करना है, तो हम तो अवश्य जाएंगे, हम तो अवश्य जाएंगे, तो गलती आपके बी वाले पार्ट में है, ठीक है बॉस, बात समझ में आ रही है। चलिए, अब त्रुटियां बहुत हो गई दोस्तों, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, इसमें दोस्तों गलती कहां पर है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता है, बताइए दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर आपका डी होगा। मुझसे, ठीक है ना, मुझसे यह काम नहीं हो सकता। सिंपल सी बात आपकी आ जाएगी दोस्तों, यह काम नहीं हो सकता। सिंपल सी बात आपकी आ जाएगी यहां पर। ओके बॉस, यह काम नहीं हो सकता। तो यहां पर संभव या असंभव की दोस्तों यहां पर बात ही नहीं हो रही है। यहां पर संभव और असंभव की बात ही नहीं हो रही है दोस्तों। मुझसे यह काम नहीं हो सकता है, मुझसे यह काम नहीं हो सकता। और अगर आप संभव लगाओगे तो सी वाले में गलती है, आपकी सी वाले में यहां पर दोस्तों गलती है। अगर आप इस मुझसे का प्रयोग कर रहे हो दोस्तों तो इसके साथ ओनली आपका सकता आएगा, है नहीं आएगा। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, समझ में आ रही बात, है लगाने की जरूरत नहीं है। मुझसे यह काम नहीं हो सकता, जैसे बोलता ना, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो यहां पर है लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आप मुझसे का प्रयोग कर रहे हो तो यहां पर है की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कारण है कि तुम यहां नहीं आते, इस वाक्य में कारण का किस रूप में प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 73 पर आ चुके हैं, बस 7 क्वेश्चन और बचे हैं। टोटल 80 क्वेश्चन मैंने आज आप लोगों को कराए हैं। तो आप यहां पर देख सकते दोस्तों, क्या कारण है कि तुम यहां नहीं आते, फटाफट से दोस्तों मुझे बताइए इसमें किस तरीके का प्रयोग किया गया, गलती कहां पर है, क्या कारण है कि तुम यहां नहीं आते। ओके बॉस, तो आपकी इसमें जो प्रयोग हुआ है, किस रूप का प्रयोग हुआ है दोस्तों, सर सिर्फ हिंदी ही पढ़ाते हैं, नहीं मेरे भाई, मैंने आपको रीजनिंग का पेपर करा दिया है, रीजनिंग के बाद मैंने आपको जीके पढ़ाई है, फिर मैंने आपको मैथ पढ़ाई है, और मैथ के बाद अब हिंदी के बस 20 क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन बचे, मैं आपको केवल हिंदी पढ़ा रहा हूं बस। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों तुम आपका सर्वनाम है, तो क्या पूछा है ना दोस्तों, क्या, तो क्या हमारा क्या है दोस्तों, क्या की जगह जो भी आएगा वो आपकी संज्ञा होगी। क्या कारण, जो भी कारण होगा दोस्तों वो आपके नाउन होगा, नाउन के फॉर्म में होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा संज्ञा हो जाएगा। इस वाक्य में कारण का किस रूप में प्रयोग हुआ है, तो जो कारण आप लोगों का दे रखा है यहां पर वो संज्ञा के फॉर्म में ही आएगा। ठीक है बॉस, चलिए। आंख मारने का मतलब क्या होता है, आंख मारने का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने भी दोस्तों यहां पर, ठीक है ना, आंख मारी होगी। तो आंख मारने का मतलब क्या होता है, एक मुहावरा है, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है। देखो, आंख मारने का मतलब आराम करना गलत, ऊंघना गलत, नजरअंदाज करना गलत, इशारा करना, इशारों ही इशारों में बातें करेंगे, तो आंख मारने का मतलब होता है इशारेबाजी करना। आंख मारने का मतलब क्या होता है, आंख मारने का मतलब होता है इशारेबाजी करना। ठीक है, चलिए बाबा तुम बेटा शांत रहो, ठीक है, फंसाना नहीं होता है, ठीक है, अपना ज्ञान तुम मत दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला सवाल आपके सामने है, नदी नाव संयोग का क्या अर्थ है। चलिए इसको बताइए, नदी नाव संयोग का क्या अर्थ है, फटाफट से बताइए। तो इसमें आपका अल्पकालिक संबंध है, जो नदी नाव का संयोग है ये एक आपका अल्पकालिक संबंध है, ये एक आपका अल्पकालिक संबंध है। ठीक है, चलिए, पीपर पात सरिस मन डोला, इस पद में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, चलिए बताइए। तो दोस्तों पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें आपका उपमा अलंकार है। ओके बॉस, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो पीपर पात सरिस मन डोले का मतलब क्या होता है, इसमें आपका उपमा अलंकार है। कौन सा शब्द आपका फारसी है, मुफ्त, तरक्की, सुराग या बाल्टी, बताइए। तो जो मुफ्त शब्द अगर आपने चूज किया है तो ये शब्द आपका फारसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीन शब्द का उद्गम किस भाषा से है, कालीन शब्द का उद्गम किस भाषा से है, तो इसको बताइए आप लोग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कालीन की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कालीन जो शब्द है आपका
अरबी नहीं है, फारसी नहीं है, पाली तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो ये शब्द आपका तुर्की शब्द है। कालीन कैसा शब्द है? कालीन आपका तुर्की शब्द है। अंबर का विलोम क्या होगा? ये अंबर, ये आसमां, ये जहां। तो अंबर मतलब होता है गगन, गगन या आसमान। अंबर मतलब होता है आसमान। तो आसमान का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? आसमान का उल्टा होता है पाताल, ठीक है ना? तो आकाश और पाताल कहते हैं ना दोस्तों, कि मैं आकाश पाताल एक कर दूंगा, मैं आकाश पाताल एक कर दूंगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 80 आपकी स्क्रीन पर है, तो आप यहां पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने है। अभिराम शब्द का पर्याय क्या होगा? अभिराम, सचल, सल्लज, निर्भीक, गलत है, सुंदर। अभिराम का मतलब दोस्तों क्या होता है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आप लोगों का सही जवाब क्या हो जाएगा? ओके, तो अभिराम का मतलब कह सकते हो एक तरीके से प्रसन्नता कह सकते हो, अच्छा लगना कह सकते हो, मनमोहक कह सकते हो, सुंदर कह सकते हो, ठीक है ना? जो मन को अच्छा लगे। तो अभिराम का मतलब होता है जो मन को अच्छा लगे, मनोहर। अभिराम का मतलब होता है मनोहर, मन को अच्छा लगने वाला। तो अक्सर सुंदर चीजें जो हैं दोस्तों हमारे मन को भा जाती हैं, अक्सर सुंदर चीजें जो हैं हमारे मन को भा जाती हैं, क्यूट कह सकते हो आप, ठीक है ना? ये मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, क्यूट। तो दोस्तों आज मैंने आपका पेपर कराया 160 नंबर का, तो 160 नंबर का पेपर कराया। आप लोगों में से कौन कौन से लोग हैं जिनके 140 प्लस नंबर आए हैं, ये आप लोगों को दोस्तों बताना है कमेंट में। तो कमेंट जरूर करना, बताना कि आज की क्लास कैसी लगी। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो आई होप आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपनी क्लास को शेयर कर सकते हो। कल मैं थोड़ा सा मैं परिवर्तन करने वाला हूं जल्दी, ठीक है ना? अभी तो आपकी टाइमिंग ये है, कुछ दिनों बाद मैं टाइम में जो है परिवर्तन करने वाला हूं। तो 11:30 बजे सुबह रीजनिंग, 1 बजे जीके, 4 बजे आपका जीडी का पेपर, 6 बजे हिंदी, 7 बजे मैथ, 8 बजे रीजनिंग और 9 बजे आपका जीडी का पेपर। तो इसी टाइम से हम आपसे मिलेंगे, आप मुलाकात आपसे सीधे कल होगी। आज बहुत मेहनत हो गई दोस्तों, और मुझे दोस्तों क्लास में 4,000 लोगों में से मैं बता दूं दोस्तों, मेरी इस क्लास में दोस्तों टोटल 5,000 लोग आए, ठीक है? 5,000 लोगों में से मात्र 182 बच्चे केवल टिके हैं जिन्होंने अंतिम सांस तक लड़ाई करी है। तो मैं अपने ईश्वर से ये दुआ करूंगा कि जो भी लोग क्लास में एंड तक रुके, जो हिम्मत नहीं हारे, जिन्होंने हमारे साथ कदम से कदम बढ़ाकर जो चले हैं, ईश्वर उन सबको कामयाबी दे, खूब तरक्की करें, खूब उन्नति करें, आपका सिलेक्शन जो है जरूर हो जाए। तो हम मिलेंगे सुबह 11:30 बजे, तब तक के लिए नमस्कार। जय BSA, जय BSA क्लास, और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।